हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपने। लेकिन इससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर केवल उन लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हैं और उनको अच्छे से समझ चुके हैं। केवल उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में आने की गारंटी मैं नहीं देता। क्योंकि इसमें तीन चीज़ों का जिक्र होगा। इसमें एक तो आपके ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, आपके सक्शन प्रेशर, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। जो केवल टारगेट प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। जो केवल नाम लेकर के बोल दिया जाएगा कि यहाँ डीपीडी इसका ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या रहेगा, ये वोटर अपने अंदर एंट्री करवाएगा। तो इस तरीके से आपको केवल चीजों का नाम लेकर के बता दिया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा डीपीडी क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। इसी चीज के लिए, केवल इसी चीज के लिए जो ये वाला पॉइंट था ऑस्मोसिस वगैरह, उसमें हमने 2 से 3 दिन लगा दिए थे। क्या क्यों लगा दिए 2 से 3 दिन? क्योंकि अगर वो सब नहीं करते तो ये सारी चीजें समझ में हमें नहीं आती। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा, इसमें जो आपको पाथवेज करवाए थे मैंने लास्ट लेक्चर में, उनकी भी इम्पोर्टेंस रहेगी। तो जब तक आपने वो सारा कुछ कवर नहीं कर रखा, इतने तक इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं होना आपको। हाँ जी, शुरू करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से। अब देखिए इसमें क्या बोला गया। सबसे पहले इसमें बोल दिया गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म यानी जल अवशोषण कितने प्रकार से करता है प्लांट, तो वो 2 तरीके से करता है। कौन कौन से, आप सारे जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो इन चीजों को। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, अब देखना, मैं शुरू से आप लोगों को ये चीजें बोलते हुए आ रहा हूँ। कुछ एक टर्म्स होती है, उन टर्म्स को आप अगर देख लो, ध्यान में रख लो उन चीजों को, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। सर कौन सी टर्म्स? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इंटर और इंट्रा में हमेशा आपको डिफरेंस बताता रहता हूँ, उसी तरीके से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी डिफरेंस बताता रहता हूँ कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस बता देता हूँ। अब जहां कहीं भी आपके सामने जिंदगी में एक्टिव और पैसिव आ जाए, आप इसको इसी चीज से रिलेट करते हैं, इसका दूसरा कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक्टिव का मतलब होगा एनर्जी स्पेंड होना, एक्टिव का मतलब होगा एनर्जी स्पेंड होना, पैसिव का मतलब है एनर्जी स्पेंड नहीं होना। ये तो होगी किताबों वाली बातें। जनरल लाइफ में अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो आपके घर में कूलर सबके घर में होगा। कूलर को क्या करते हैं, अपने गर्मियों का सीजन खत्म हो गया, सीजन खत्म होते टाइम वापस से रखते होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब उसमें वाटर जो भी रह गया, जो कूलर के टैंक में जो एक्स्ट्रा पानी रह गया, उस पानी को हम निकालते हैं। तो उसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं क्या करूंगा, जो कूलर की मोटर होगी, मोटर को ऑन कर दूंगा। मोटर को ऑन कर दिया, वो क्या करेगा, पानी को पंप करेगी मोटर, और मैं ऊपर जो पाइप लगी होगी उस पाइप को वहां से निकाल करके बाहर निकाल दूंगा। वो मोटर के माध्यम से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या रास्ता है, दूसरा रास्ता है मैं क्या करूंगा, ऊपर से वो पाइप निकालूंगा। निकालने के बाद में उसे थोड़ा माउथ से सक करूंगा, सक करूंगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा, पाइप को बाहर छोड़ दूंगा और बिना मोटर ऑन किए पानी चलता रहेगा अपने आप सारा का सारा। जो पहला रास्ता है उसके अंदर मुझे मोटर को ऑन करना पड़ेगा, यानी उसके लिए मुझे प्लग इन करना पड़ेगा कूलर को। कहाँ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने उसे प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, मोटर चालू हुई, यानी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। यानी इस तरीके से अगर मैं पानी को बाहर निकाल रहा हूँ तो वो कौन सा मेथड हो गया, एक्टिव मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा रह गया, पैसिव मेथड। उसके अंदर मैंने ना प्लग लगाया, ना मैंने स्विच ऑन किया, ना मैंने मोटर ऑन की। मैंने क्या किया, सिंपली बस उसको हटाया, थोड़ा सा माउथ से सक किया, एक प्रेशर जनरेट हो गया, उसके बाद में पानी अपने आप बहता था, कोई प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं हुई। उसे मैंने बोल दिया पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जहां कहीं भी आपके सामने एक्टिव और पैसिव आ जाए, वो जरूरी नहीं केवल एब्जॉर्प्शन में आए, वो चाहे कहीं भी आ जाए। कहीं भी का मतलब कहीं भी, जैसे सोयल साइंस में आप पढ़ते हो सोयल फॉर्मिंग फैक्टर्स 5 होते हैं। अब उनमें आप पढ़ते हो कि उनमें से कुछ एक होते हैं जो एक्टिव फैक्टर होते हैं, कुछ एक पैसिव फैक्टर होते हैं, वहां भी यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। इसके अलावा जहां कहीं भी एक्टिव और पैसिव लिखा आ जाए, उसका मतलब यही होगा, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? अब देखना इसको अपने वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से किस तरीके से रिलेट करेंगे। एक्टिव और पैसिव आप होपफुली समझ गए, फिर इसमें एक डाउट निकल के आएगा। उस डाउट को भी इसी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कूलर वाला, इसी एग्जाम्पल के साथ अपने क्लियर करेंगे। देखते हैं आगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा गया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का सक्रिय अवशोषण। इसमें क्या करेंगे, बोला गया कि इन द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द रूट सेल्स प्ले एक्टिव रोल्स। जो आपकी जड़ों की कोशिकाएं होंगी, रूट हेयर सेल्स जो होंगी, वो एक्टिव रोल प्ले करेगी इसके अंदर, सक्रिय भूमिका अदा करेगी अपनी। किसके, किस काल में, जल के अवशोषण में सक्रिय भूमिकाएं अदा करती है। एंड मेटाबोलिकल मेटाबोलिक एनर्जी रिलीज, और जो उपापचयी ऊर्जा होगी वो रिलीज की जाएगी। किसके माध्यम से आई, रेस्पायरेशन के माध्यम से। जो रेस्पायरेशन जो है, श्वसन जो है, उसके माध्यम से जो एटीपी जनरेट हुए। अब मैं एटीपी और एडीपी आपको बता चुका हूँ। एटीपी यानी भरा हुआ पर्स और एटीपी एडीपी यानी खाली पर्स। एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट। क्लियर ना ये चीजें?
एटीपी आएगी कहाँ से, रेस्पायरेशन के फलस्वरूप। रेस्पायरेशन क्या है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूट जाना, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाना, लेकिन साथ में क्या करना, एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, साथ में क्या करना, एनर्जी रिलीज करना। अब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेकर के उसने C6H12O6 बनाया है। अब वो जो फूड बना दिया, उसी फूड का बाद में रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलेगी। जितनी हमें प्लांट को एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी में जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस से, जो खाना बना है वो खाने का रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन होने के बाद में एनर्जी मिलेगी। जितनी प्लांट को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतनी एनर्जी वहां स्पेंड की जाएगी प्लांट में, उतनी एनर्जी काम में ली जाएगी। उसके बाद में जो बच गया खाना, ठीक है, सरप्लस जो है, एक्स्ट्रा जो खाना बच गया, उस खाने को आपके प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइट लेते हो तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, आप अगर हैवी वर्क नहीं करते, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप खाना ले रहे हो। जैसे इन दिनों अपने क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन हो रखा है, घर पे फ्री बैठे हैं, फ्री बैठे बैठे क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहते हैं। लेकिन क्या इन दिनों अपने एनर्जी की कोई यूटिलाइजेशन है, क्या कोई उपयोग है? नहीं, हम तो घर पे बैठे रहते हैं सारा दिन। घर पे बैठे रहने की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन हम रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा खाना खा रहे हैं इन दिनों। ठीक है, तो ज्यादा खाने की वजह से वो जो एक्स्ट्रा खाना है, वो एक्स्ट्रा खाना हमारे शरीर में स्टोर होकर के रह जाता है, जिस चीज की वजह से हमें क्या आता है, मोटापा आता है। प्लांट में भी सेम है, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाएगा। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतने खाने को रेस्पायरेशन के फलस्वरूप करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जो बच गया उसे क्या कर देगा, अपने अंदर स्टोर करके रख देगा। यानी हम ये चाह रहे हैं कि प्लांट क्या हो, मैक्सिमम खाना प्रोड्यूस करे और मिनिमम खाना अपने काम में लिए, अपने काम में ले, बाकी मैक्सिमम स्टोर करके रख ले, जिससे क्या कर सके, स्टोर किया हुआ, स्टोर कहाँ होगा, फ्रूट में होगा, ट्यूबर में होगा, वो पार्ट अपने यूज कर ले और अपने को मैक्सिमम एनर्जी मिल जाए, अपने यही चाहते हैं। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन अगर वो पानी का करता रहा, यानी हर बार उसने एनर्जी देते रहा, ठीक है, पानी को ग्रहण करने के लिए, तो फिर वो कभी भी स्टोर कर ही नहीं पाएगा फूड। क्यों? क्योंकि उसकी बाद में एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी तो जितना खाना बना रहा है वो सारा का सारा रेस्पायरेशन में उसे काम में लेना पड़ेगा। क्लियर है ना ये सारी बातें? इसलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट होगा या किसी स्पेशल कंडीशन में होगा। जनरली एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं होता, रेयर है काफी, है किसी स्पेशल कंडीशन में हो सकता है फिर, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, और बाकी चीजें आप समझ गए यहाँ तक कि रूट सेल्स होंगी वो एक्टिव रोल प्ले करेंगी और क्या करेंगी, आपके एनर्जी यूज करके, जो रेस्पायरेशन के फलस्वरूप जो एनर्जी हमें मिली है, एटीपी हमें मिली है, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं भाई, एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, जैसे अपने करेंसी के बारे में बात करें तो अपने यहाँ रुपीज है, उसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज मेजोरिटी में डॉलर्स चलते हैं। ठीक है, किसी कंट्री में कोई और करेंसी भी चलती होगी, डेफिनेटली वो चलती ही है, मुझे पता नहीं इतने ज्यादा कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है। उसी तरीके से प्लांट्स पे मैं अगर एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी की करेंसी कौन सी हो जाएगी, एटीपी। फुल फॉर्म क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ डिस्कस करेंगे, रेस्पायरेशन में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, अब एक्टिव आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके का हो सकता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन से दो तरीके का। पहला हो सकता है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, यानी कौन सा, परासरणीय अवशोषण। ठीक है, इसमें क्या बोला गया देख लेते हैं। इसमें बोल दिया गया, वॉटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब आप बाकी सारी बातों को तो बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है क्या चीज। क्लियर ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है। ऑस्मोसिस की जनरली डायरेक्शन कौन सी होती है, अपने जानते हैं कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में सोल्यूट का चला, आपके सोलवेंट का चला जाना, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में सोलवेंट का चला जाना क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है जो ऑस्मोसिस के साथ साथ चल रहे हो आप, उस चीज को हमने बोल दिया ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो इसकी नेचुरल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो हमने इसी को क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अगर मैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट की बात करूंगा तो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फैलना, तो डिफ्यूजन की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट। बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या बोला गया ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में, कि जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होगी यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होगा, उसी ग्रेडियंट के साथ साथ पानी क्या करेगा, अपने जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाएगा और जाइलम में भेज दिया जाएगा। अब अपने एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, जाइलम तक ही बात करेंगे, जाइलम से आगे की बात कोई नहीं करेंगे अभी अपने। ठीक है ना,
कहाँ भेज दिया जाएगा? जाइलम को भेज दिया जाएगा। ये हो गया अपना ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में बात करते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में। इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होगी जी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में किसके मूवमेंट, सॉल्वेंट यानी जल की, विलायक की मूवमेंट होना। लेकिन कई बार कंडीशन अगर ऐसी हो जाए कि लो कंसेंट्रेशन और हाई कंसेंट्रेशन में उल्टा हो जाए कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में अपने पानी को भेज रहे हैं, ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, उल्टी गंगा बहानी हो, ठीक है, बिल्कुल यही वर्ड्स आप ध्यान रखना कि जो धारा की जो बहाव की दिशा हो उस दिशा के विपरीत अगर हमें काम करना है, ठीक है। जनरली लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में ऑस्मोसिस की डायरेक्शन रहती है, लेकिन अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मुझे पानी को वापस भेजना हो तो उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा, नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि जो नेचुरल काम हो रहा है उस नेचुरल काम के एंटी मुझे काम करना है तो उसके लिए मुझे अलग से एनर्जी लगानी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? इसलिए यहाँ क्या बोल दिया गया, नॉन ऑस्मेटिक एब्जॉर्प्शन में कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट, यानी कि ऑस्मेटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। लो कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन ऑस्मेटिक ग्रेडियंट है, लेकिन अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में पानी की मूवमेंट हो रही है तो वो आपके ऑस्मेटिक ग्रेडियंट के उल्टा हो गया। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इसमें सबसे पहली चीज तो रूट सेल्स की कोई लेना देना ही नहीं है, हमें रूट सेल से कोई लेना देना नहीं है। किस चीज में? आपके पैसिव एब्जॉर्प्शन में। पैसिव एब्जॉर्प्शन में रूट सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा मेनली रिस्पॉन्सिबल किस चीज पे होगा, ट्रांसपायरेशन से। ट्रांसपायरेशन क्या चीज होती है, आप सारे लोग जानते हो, वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या, जो आपके प्लांट के लीव्स होंगी उन लीव से क्या बन जाना, भाप के रूप में उड़ जाना। किस चीज का, पानी का, ठीक है। बाकी ट्रांसपायरेशन को अपने पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कि जो आपकी लीफ होगी, पौधों की पत्तियां जो होंगी, उन पत्तियों से क्या हो जाना, पानी का भाप के रूप में उड़ जाना, क्या कहलाएगा, ट्रांसपायरेशन, क्लियर। और इसी चीज की वजह से पानी क्या होगा, खींचा चला जाएगा प्लांट्स में, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उस चीज को हमने क्या बोल दिया, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिटेल में देखते हैं इन सारी चीजों को, आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, जो पहला पॉइंट था आपका, पहला टाइप था आपका एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें हो क्या रहा था, इसमें हो रहा था ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के डायरेक्शन में पानी को ग्रहण किया जाना, ठीक है। अब इसमें एक डाउट निकल के आएगा, जो डाउट मैं ही आपको बता देता हूँ क्या होगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसको, उसके बाद में डाउट बताऊंगा, फिर उसका आपको कारण भी बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या चीज है, आप इसे किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए मानिए। आगे देखिए, पहले इसे स्टडी कर लेते हैं। क्या बोला गया इसमें कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब जिस बंदे ने यहाँ से पहले का एकदम अच्छे से क्लियर कर रखा है उसको इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि सारी की सारी पुरानी बातें, नई बात इसमें कोई है ही नहीं, आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, वॉटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन टू द जाइलम ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। हाँ जी, यानी पानी जो होगा वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा, और कहाँ तक एब्जॉर्ब किया जाएगा, जाइलम तक, ठीक है। जाइलम तक ही होता है ना, क्या करेगी, एपिडर्म में सबसे बाहर वाली कोशिकाएं अब्जॉर्ब करेगी, वो आगे कोर्टिकल सेल्स को डिलीवर करेंगी, वो आगे मेसोडर्म को, सॉरी मेसोडर्म नहीं, एंडोडर्मल सेल्स को डिलीवर करेंगी, एंडोडर्मल बाद में पेरिसाइकल सेल्स को डिलीवर करेगा, और वो बाद में जाइलम्स को डिलीवर करेगी। यही तो था वाटर एब्जॉर्प्शन का सारा इसमें तीन टाइप के मैकेनिज्म हो गए, एक्वाप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है। ओके, किसके साथ साथ, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के साथ साथ ये क्या होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, जल का अब्सॉर्प्शन होगा। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होगा, उसके साथ का मतलब क्या हो गया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरली ऑस्मोसिस क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट की मूवमेंट, बस इसी डायरेक्शन में अगर आपके होता रहा ऑस्मोसिस तो उसे बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। आगे देखिए, फर्स्ट स्टेप इन ऑस्मोटिक, द ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द इम्बाइबिशन ऑफ सॉइल वाटर। देखिए ये बात अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रूट सेल्स जो होंगी, वो रूट सेल्स या रूट हेयर्स जो होंगी, वो क्या करेगी, पहले अपनी सेल वॉल पे किस चीज को एडजॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, एडजॉर्ब करेगी, किस चीज को अधिशोषित करेगी, किस चीज को, वाटर मॉलिक्यूल्स को। क्यों करेगी, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो वो क्या होती है, वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करेंगी, कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया, अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया, और सरफेस पे एडजॉर्ब होने को अपने बोलते क्या है, इम्बाइबिशन। बात समझ में आई ना, यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहां से निकल के आ गई कि वाटर एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, क्लियर। आगे देखिए, यहां तक क्लियर है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं आई, ओके।
उसके बाद में बोला गया ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज यूजुअली हायर देन द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सोइल वाटर। मतलब समझ लेते हैं इस चीज का। देखिए ये आपकी क्या होगी, मान लीजिए एक सेल है और वो कौन सी सेल है, रूट सेल है, ठीक है, और यहाँ बाहर क्या हो गया, बाहर वाटर या फिर कौन सा सोइल वाटर है, ये रूट सेल है और ये क्या रह गया बाहर, सोइल वाटर है। अब ऑब्वियसली चीज है, सोइल वाटर जो है वो कौन सी फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी विलयन है डेफिनेटली। विलयन में क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, एक होता है जी आपका सोल्यूट, एक होता है आपका सोलवेंट, क्लियर है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। विलय इसमें कौन रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, विलय इसमें कौन रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। सोलवेंट कौन रहेगा इसमें, वाटर रहेगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोइल वाटर के बारे में। मैं कई बार ये आपको मजाक में बोल भी चुका हूँ कि प्लांट्स कभी वाटर एब्जॉर्व करते ही नहीं, वो क्या एब्जॉर्व करते हैं, सोल्यूशन एब्जॉर्व करते हैं, सोल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों रहते हैं, क्लियर है। अब देखिए डेफिनेटली बात है कि जब ये सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन की कोई ना कोई कंसेंट्रेशन भी होगी, ऑब्वियस है ये चीज। प्लांट सेल के बारे में बात करूंगा तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या पाया जाएगा, सेल सैप पाया जाएगा, सेल सैप पाया जाएगा। अब सेल सैप की भी कोई ना कोई कंसेंट्रेशन रही होगी। अब इसके बारे में जब हम जनरली बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, जो आपकी रूट सेल्स होती है उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है और बाहर कंसेंट्रेशन कम रहती है। बात समझ में आई, जनरली आपकी रूट सेल्स की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जड़ों की जो कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं की जो सांद्रता रहेगी वो ज्यादा रहेगी और जो बाहर की सांद्रता होगी वो कम रहेगी। अब आप अच्छे से जानते हो, अच्छा बाहर कंसेंट्रेशन कम है अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या काम करेगा, डिफ्यूजन काम करेगा। डिफ्यूजन बोलेगा कि नहीं मुझे तो फैलना है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, वो बाहर से अंदर आने की वो अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। कौन कोशिश करेगा, सोल्यूट, ठीक है, वो कहेगा नहीं मुझे तो क्या करना है, दुनिया बदले बदले, कौन ना बदले, इक्विलिब्रियम ना बदले, मुझे तो सामने स्थापित करना है हर हाल में कुछ भी हो जाए। वो जैसे ही उसको क्रॉस करने लगेगा इतने में कौन बीच में अड़ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बीच में अड़ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन बोलेगी नहीं बेटे ऐसा तो नहीं होगा, क्लियर। वो कहेगा तो कैसा होगा, वो कहेगी कि आपको मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप पानी को अंदर बुला सकते हो। उसने कहा ठीक है भाई, बाहर कंसेंट्रेशन कम है अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मुझे तो करना क्या है, इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, कंसेंट्रेशन इक्वल इक्वल करनी है, इक्वल इक्वल कंसेंट्रेशन करने के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता तो मैं उसे अंदर बुला लूंगा, बात खत्म, ठीक है। वो क्या करेगा, अब एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन करेगा जिसे अपने कह देते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस होता है क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ किसका जाना, सॉल्वेंट का जाना। यानी क्या होगा, इस कंडीशन में बाहर कंसेंट्रेशन कम होने के कारण रूट सेल्स जो होंगी वो किसे एब्जॉर्व कर लेंगी, वाटर को, या फिर मैं बोल दूं सॉल्यूशन को एब्जॉर्व कर लेंगी। बात समझ में आई, इसके साथ साथ क्या होंगे आपके, न्यूट्रिएंट्स भी निकल लेंगे, क्लियर। न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इसके साथ जुड़े रहेंगे ना, इसलिए न्यूट्रिएंट्स भी इसके साथ निकल लेंगे, वाटर या फिर सॉल्यूशन को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। ये है अब तक का कंसेप्ट जिसके बारे में अपने अब तक डिस्कस किया है, जो अपने शायद सारी की सारी बातें इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए क्या कहता है, ये आगे कहता है देयरफॉर द डीपीडी एंड सक्शन प्रेशर इन द रूट हेयर बिकम हायर। अब ऑब्वियस है ना ये चीज, डीपीडी भी अंदर ज्यादा हो जाएगा और सक्शन प्रेशर, डीपीडी या फिर सक्शन प्रेशर तो एक ही चीज है, मैं डीपीडी बोल लूं, सक्शन प्रेशर बोल लूं या फिर क्या बोल लूं, आपके वाटर पोटेंशियल, सारी एक ही चीजें हैं ये। आगे देखिए, डीपीडी अंदर ज्यादा हो गया, डीपीडी अंदर ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगी, बाहर से पानी को अपने अंदर खींचने के बारे में बात करेगी। अब इसको ऑस्मेटिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बातें बोल दूं, डीपीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, या फिर मैं सक्शन प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, या मैं वाटर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, बातें वही सेम रहेगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। डीपीडी और सक्शन प्रेशर में वैल्यूज पॉजिटिव में रहेंगी, इसलिए डीपीडी और सक्शन प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होने के कारण पानी अंदर आएगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण वाटर पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा वहां से मूवमेंट करेगा किस डायरेक्शन में, जहां वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो ऑब्वियस है अंदर हाई कंसेंट्रेशन है यानी पानी की मात्रा कम है, बाहर कंसेंट्रेशन कम है यानी पानी की मात्रा ज्यादा है, क्लियर है ना ये बात, ओके। तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने जो भी चीजें पढ़ रखी थी वही सारी की सारी चीजें रिपीट हुई है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, एज अ रिजल्ट ऑस्मेटिक प्रेशर सक्शन प्रेशर एंड डीपीडी ऑफ रूट हेयर। अब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, सक्शन प्रेशर और डीपीडी एक ही चीज है। ऑफ रूट हेयर्स हाउ बिकम्स लोअर व्हाइल टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अच्छा अब टर्गर प्रेशर का पंगा हो गया क्या, देखिए होगा क्या, जैसे ही पानी अंदर लिया जाएगा सेल के द्वारा, अब पानी अंदर लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कहाँ जाएगा, इसकी वैक्यूल में जाएगा, इसके टोनोप्लास्ट में जाएगा, इसके रूट हेयर के वैक्यूल या टोनोप्लास्ट में, क्लियर। वैक्यूल या टोनोप्लास्ट में पानी जैसे इकट्ठा होने लग जाएगा वो फैलना शुरू कर देगा, वो फैलना शुरू कर देगा यानी उसने बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिस प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, टर्गर प्रेशर यानी टीपी।
टर्गर प्रेशर के बाद में सेल्वोल कहेगी कि मैं तो इन इलास्टिकों में फैल नहीं सकती, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लगाएगी उस चीज को, यानी कि टर्गर प्रेशर की क्रिया के विरुद्ध सेल्वोल द्वारा प्रतिक्रिया की जाएगी और वो वॉल प्रेशर लगाएगी बिल्कुल उसके जितना, दोनों पॉजिटिव प्रेशर रहेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाएंगे। इतनी चीजें हम जानते हैं। टर्गर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा यानी सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी आपकी, क्लियर। अब देखिए उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में बोला गया नाउ द कॉर्टिकुलर सेल्स एडजेसेंट टू रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स के बिल्कुल जस्ट बाद में कौन सी सेल्स होती है, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर पानी की मात्रा कम है और आपकी रूट हेयर्स में पानी की मात्रा ज्यादा है। अब मैं बोलने को कैसे ही बोल दूं कि रूट हेयर्स में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, कॉर्टेक्स में वाटर पोटेंशियल कम है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूवमेंट करता है। एक चीज इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं कि जो आपकी रूट हेयर्स होगी उनके अंदर पानी ज्यादा आ गया यानी उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, और दूसरी जो सेल्स है कॉर्टेक्स सेल्स उनके पास में जो है उनके अंदर पानी कम है यानी उनकी कंसंट्रेशन कम, उनकी कंसंट्रेशन कम है नहीं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक बार फिर से बोलता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हो तो, रूट सेल्स जो है रूट सेल्स के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा आ गई, उन्होंने वाटर बाहर से ले लिया तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। पानी की मात्रा ज्यादा लेकिन कंसंट्रेशन कम, सोल्यूट की मात्रा कम। जो उसके बिल्कुल पास में जो सेल्स है कॉर्टेक्स सेल्स उनके अंदर पानी की मात्रा कम है यानी कि उनके अंदर सोल्यूट तो उतना ही है, यानी इसकी वजह से क्या दिक्कत रह गई कि वहां कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई। अब अपने जानते हैं ऑस्मोसिस की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से पहले डिफ्यूजन के बारे में चलते हैं। डिफ्यूजन कहेगा मुझे तो फैलना है जी, ठीक है, वो कहेगा फिर से सेल मेम्ब्रेन की नहीं, आपको नहीं जाने दे सकती, आप उसे बुला लीजिए वाटर को, वो कहेगा ठीक है। फिर एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होगा जिसे अपने कह देते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। वो क्या करेगा, अब रूट हेयर से पानी को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, कॉर्टेक्स सेल्स के द्वारा। अब कॉर्टेक्स सेल्स के बाद में सेम कहानी, जो कॉर्टेक्स सेल्स के आगे वाली सेल्स होंगी कॉर्टेक्स, वो ये सेम कहानी रिपीट करेंगे। उसके बाद में जो आपकी एंडोडर्मल सेल्स होंगी वो ये सेम कहानी रिपीट करेंगे। एंडोडर्मल सेल्स के बाद में जो आपकी पेरिसाइकल सेल्स होंगी वो ये सारी की सारी कहानी रिपीट करेंगे, और उसके बाद में फाइनली ये सारा का सारा वाटर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जाइलम को। ये सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं इससे पहले, इनमें कोई भी नई चीज नहीं आई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जहां तक कर लिया उसके आगे का देख लेते हैं। नाउ द कॉर्टिकल सेल एडजेसेंट टू रूट हेयर्स हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आपके सक्शन प्रेशर एंड डीपीडी इन कंपैरिजन टू द रूट हेयर्स, बिल्कुल सही चीज है ये। देयरफॉर वाटर इज ड्रॉन इनटू द एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल्स फ्रॉम रूट हेयर्स बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है। रूट हेयर से कहां चला जाएगा, कॉर्टेक्स सेल्स में चला जाएगा। इसी तरीके से एक सेल से दूसरी सेल से होता हुआ ऑस्मेटिक डिफ्यूजन के कारण, ऑस्मेटिक डिफ्यूजन के कारण धीरे धीरे क्या होगा, पानी बिल्कुल अंदर वाली कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंच गया और वहां से कहां चला जाएगा, एंडोडर्म्स में। एंडोडर्म्स में पहुंचने के बाद में क्या होगा, वो आपके किसे दे दिया जाएगा, पेरिसाइकल को। पेरिसाइकल आगे किसे ट्रांसफर कर देगी, इसे जाइलम को, ठीक है। पेरिसाइकल किसे ट्रांसफर कर देगी, जाइलम को। कितनी बातें क्लियर। अब देखना, क्योंकि आपकी जो पेरिसाइकल सेल्स हैं वो सेल्स कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल जाइलम के आसपास होती क्या है। पेरिसाइकल सेल्स एक तरीके का सपोर्ट देने का काम करती है, किसको, जाइलम और फ्लोएम को, जो आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट देने का काम करती है, कौन, पेरिसाइकल सेल्स। बाकी इनका कोई मेजर फंक्शन है नहीं, बस यही फंक्शन है इनका सपोर्ट देने वाला, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी बात कि बहुत सारा पानी जाइलम में पहुंचता चला जाएगा, किसके कारण, आपके ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस के कारण बहुत सारा पानी कहाँ पहुंचता चला जाएगा, आपके जाइलम के अंदर। जाइलम में पानी बहुत सारा आ गया तो उसकी वजह से जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, दबाव उत्पन्न हो जाएगा जाइलम में एक, ये दबाव उत्पन्न हुआ कैसे, ये दबाव उत्पन्न हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, किसकी वजह से, रूट हेयर्स की वजह से। रूट हेयर्स ने पानी ग्रहण किया, उन्होंने आगे डिलीवर किया, आगे डिलीवर किया, आगे डिलीवर किया, इन सारी चीजों की वजह से जो आपके जाइलम में वाटर पहुंचा है, जाइलम में वाटर पहुंचने की वजह से उसमें एक प्रेशर डेवलप हो गया। इस प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है, इस प्रेशर को नाम दिया जाता है रूट प्रेशर। तो आपको सबसे पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि रूट प्रेशर होता क्या है, आई होप आप समझ गए इस चीज को बिल्कुल अच्छे से। दूसरी चीज इसके बारे में बता देता हूँ, रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किस इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है, शायद मेरे ख्याल से मैनोमीटर का यूज किया जाता है, चेक कर लेना, मैनोमीटर का यूज किया जाता है मेरे ख्याल से रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। वैसे ही बताया मैंने अपने आइडिया से, ये एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना इस चीज को। आगे देखिए, यहां तक होपफुली सारी चीजें समझ में आ गई, हल्का सा अगर कंफ्यूजन रह रहा है तो अपने इसी सेम चीज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इम्बाइबिशन ऑफ सोइल वाटर, पहला स्टेप क्या हो गया, इम्बाइबिशन, किसकी वजह से, सेल्वोल, सेल्वोल के हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से, जल स्नेही गुण होने की वजह से उसने क्या कर लिया, इम्बाइबिशन कर लिया, किस चीज का, सोइल वाटर का, अपनी सरफेस पे कोलाइडल प्रॉपर्टी होने के कारण।
अब वहां से ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, सेल सैप का ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम है, या फिर मैं बोल दूं कंसंट्रेशन के बारे में, सेल सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मैं ऑस्मेटिक प्रेशर बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट को साथ में ऐड कर लेते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा क्या होंगी, सोल्यूट की मात्रा होंगी, सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होंगी, ये सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं ना। अब ये बताना यहाँ नेसेसरी नहीं है कि ऑस्मेटिक प्रेशर सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, समानुपाती क्यों होगा, और ये इसके क्यों होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं। फिर से इन्हीं में लग गए तो फिर इन्हीं में बैठे रहेंगे। आगे देखिए, उसके बाद में क्या हुआ, ये सारा फंक्शन होने की वजह से हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, सोइल वाटर से कहाँ चला जाएगा, सोइल सैप में, सॉरी सेल सैप में। वहां से होने के बाद में डीपीटी ज्यादा होने की वजह से वाटर एंटर कर गया कहाँ, आपके ऑस्मेटिक डिफ्यूजन के कारण सेल में एंटर कर गया। सेल में एंटर करने के बाद में अब क्या हुआ, जैसे ही सेल में पानी एंटर किया, पानी जाकर के इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपके टोनोप्लास्ट में। टोनोप्लास्ट क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया, टीपी, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ गया है, फाइनली सेल क्या होगी, टर्गिड होगी पूरी तरीके से। जितना वाटर एब्जॉर्व कर सकती थी उतना वाटर एब्जॉर्व कर लिया, बोलते इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये जब इसने जब वाटर एब्जॉर्व कर लिया तो इसके पास वाली जो सेल होगी, पास वाली सेल ने बोला कि ऐसा कैसे, तूने सारा सारा पानी पी लिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो कहेगा चल ठीक है फिर तू ले ले, मैं तो बाहर से और ले लूंगा। ठीक है, वो क्या करेगी, वो सारी की सारी चीजें, फिर से मैं नहीं बोल रहा, ये आगे डिलीवर कर देगी किसी कोर्टिकल सेल्स को। कोर्टिकल सेल्स फिर से आगे एंडोडर्मिस को डिलीवर कर देगी। एंडोडर्मिस को डिलीवर करने के बाद में वो कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली सारी बातें होगी। एसेस के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, एक वर्ड मेंशन किया गया पैसेज, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाटर की जो मूवमेंट होगी, वाटर का जो पाथ होगा, वो पाथ हो सकता है कि रूट हेयर से लेकर के और एंडोडर्मिस तक क्या हो, सेल वॉल के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा हो सारा का सारा, लेकिन कैस्पेरियन में जाकर के, सॉरी एंडोडर्मिस में जाकर के उसे सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही आगे जाना पड़ेगा, जिस चीज को बोल दिया इसने पैसेज, जिसे क्या दे दिया पैसेज यानी रास्ता, कि एक ही रास्ता है आगे जाने का। क्यों, क्योंकि आपके किस में पाई जाती है, एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है जो सेल वॉल के माध्यम से पानी को आगे नहीं जाने देगा। हाँ जी, इतनी बातें तो हम जानते हैं। आगे क्या बोल दिया गया, अब ये पानी कहाँ पहुंच गया, पेरिसाइकल में, और पेरिसाइकल से आगे दे दिया गया जाइलम को। जाइलम को पानी दे दिया गया तो जाइलम के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो गया, किसके कारण, रूट वाटर की एंट्री के कारण, जड़ों से जो पानी आया उस पानी की जाइलम में एंट्री के कारण जाइलम में एक प्रेशर डेवलप हो गया, जिस प्रेशर को मैंने नाम दे दिया रूट प्रेशर। ये यहां तक आपको आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई, ना आई हो तो मैसेज करना, मैं थोड़ा और बता दूंगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है वरना इन्हीं चीजों में रह जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से क्या हुआ, यहाँ क्या था, वाटर था, ये सॉइल वाटर है, ये रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया क्यों किया, वो आप समझ गए सारी की सारी चीजें, ऑस्मोसिस का क्या रोल हुआ वगैरह वगैरह। यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद में एपिडर्मिस सेल्स ने आगे ट्रांसफर कर दिया किसे, ऑस्मोटिक आपके कॉर्टेक्स सेल्स को। कॉर्टेक्स सेल्स ने अगली कॉर्टेक्स सेल्स को, उसने अगली कॉर्टेक्स सेल्स को, उसने अगली कॉर्टेक्स सेल्स को। अभी जो एरो दे रखे हैं वो एरो आपको अलग अलग पाथवे शो करते हैं, कोई हो सकता है सिम्प्लास्टिक पाथवे शो कर रहा हो, कोई एपोप्लास्टिक शो कर रहा हो, कोई ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे शो कर रहा हो, आप सारे जानते हो। लेकिन यहाँ इस वाली सेल्स को एक वर्ड दे दिया गया पैसेज सेल। वो वर्ड क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये सेल है आपकी एंडोडर्मिस सेल्स, और एंडोडर्मिस सेल्स में क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप के पाए जाने के कारण ये सेल वॉल से वाटर यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए वाटर को डेफिनेटली कहाँ से मूवमेंट करनी पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से। ये सारी बातें आप सारी जानते हो। यहाँ से पानी किसको दिया जाएगा, पेरिसाइकल को। पेरिसाइकल आगे वाटर किसे ट्रांसफर कर देगा, फ्लोएम को। और फ्लोएम क्या कर देगा, सॉरी फ्लोएम को नहीं, जाइलम को। फ्लोएम ये वाला हो गया, ये जाइलम है, ये आगे किसे ट्रांसफर कर देगा, जाइलम को। जाइलम उसके बाद में प्लांट, सारे के सारे प्लांट पे पानी पहुंचा देगा। सारे के सारे प्लांट पे पानी पहुंचाने को क्या नाम दिया जाता है, एसेंट ऑफ सैप, ये एक अलग टाइटल है, अलग हेडिंग है, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का पढ़ रहे हैं, यानी कि रूट हेयर से लेकर के जाइलम तक पानी कैसे पहुंचता है, बस उतना पढ़ रहे हैं। जाइलम के बाद में पानी का क्या होता है क्या नहीं होता अभी नहीं पढ़ रहे, बात आई समझ में। ये आपका हो गया एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के डायरेक्शन में, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन में। हर सेल में जो पानी अगली सेल को डिलीवर किया गया है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के आधार पर दिया गया है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे। क्लियर है ना ये सारी बातें, यही आपको इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ना था, उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट रहा नहीं एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन में। आगे देखिए, पहला मेथड हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, दूसरे मेथड में क्या बोला गया, एक्टिव नॉन ऑस्मेटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोला गया, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट। अब ऑब्वियस सी चीज है कि अगर मैं किसी चीज के अगेंस्ट कोई काम कर रहा हूँ, किसी भी चीज के, अगर मान लीजिए सिंपल सी चीज है, ठीक है, एक
मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जो स्पीड वाले और वेलोसिटी और वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, उस वाले में क्वेश्चन आते हैं कि एक क्या रहेगा, एक पर्सन है, वो पर्सन क्या रहेगा, मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ, सुनना इस चीज को, अपने लिंक करेंगे इस चीज को। एक पर्सन है, उसके पास एक बोट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बोट को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। एक पर्सन है, उसके पास एक नाव है, वो नाव को क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। लेकिन उसके दो सिचुएशन दे दी गई बाद में। एक सिचुएशन तो बहाव के डायरेक्शन में, यानी कि एक नदी है, एक फ्लो है, फ्लो के डायरेक्शन में वो नाव को चला रहा है, और दूसरी वो क्या कर रहा है, फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है, वो नाव को इस तरफ चला रहा है। यानी इस कंडीशन में एक चीज देखी जाएगी, नदी का बहाव मैंने बोल दिया 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ भी 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा ना। इस कंडीशन में उसकी नाव की ओवरऑल स्पीड जो रह जाएगी, वो स्पीड रह जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस वाले केस में नाव की ओवरऑल स्पीड क्या रह जाएगी, 40 में से 20 का तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध लगाया जा रहा है उस पर, यानी कि ओवरऑल स्पीड रह जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मैं उसके डायरेक्शन में बहाव करूंगा तो वो डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बहाव के विरुद्ध में जा रहा हूँ, जितना वो बहाव मुझे आप दूसरी डायरेक्शन में बहने के लिए फोर्स कर रहा है, कम से कम उतना तो मुझे उसको इक्वल करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके बाद में आगे चलने के लिए जो फोर्स लगानी है वो अलग से है, लेकिन जितना वो मुझे पीछे जाने के लिए प्रेरित कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा, उसको लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रेशर या कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या कहता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आप वाटर को भेज दीजिए। ये कहेगा नहीं, हम तो हाई कंसंट्रेशन वाले से लो कंसंट्रेशन वाले में पानी भेजेंगे, एनर्जी एनर्जी कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है, ठीक है, एनर्जी बहुत है, कोई चक्कर ही है नहीं हमें। आगे बात समझ में आ गई ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव नॉन ऑस्मेटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी आएगी कहाँ से, रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो एनर्जी मिलेगी आपको वो वाली एनर्जी रहेगी। बाकी इसमें वाटर टेक्स प्लेस ऑस्मेटिक, ये तो आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्या बोला गया, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, उसके दो टाइप पढ़ लिए, लेकिन एक डाउट है उसमें, वो डाउट मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो वाला डाउट बताऊंगा आपको, क्लियर, फिर डाउट सॉल्व भी करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी डिस्कस करूंगा, दिमाग में वही वो चीज घूमेगी आपके। क्या बोला गया यहाँ पे, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल का क्या, निष्क्रिय अवशोषण। हमने जान लिया कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा उसके अंदर कौन हिस्सा ले रहा है, रूट हेयर्स, उसके अंदर कौन हिस्सा ले रहा है, रूट हेयर्स। लेकिन पैसिव एब्जॉर्प्शन मेनली किसकी वजह से होगा, ट्रांसपायरेशन की वजह से, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, प्लांट की जो पत्तियां होंगी उन पत्तियों पे पानी, सूर्य की किरणों के कारण, तापमान बढ़ने के कारण जो पानी होगा वो पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से उड़ जाएगा। उड़ने की वजह से जो एक सक्शन लगेगा, एक खिंचाव लगेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से हो रहा है, मान लीजिए ये एक प्लांट हो गया, इसके नीचे यहाँ इसकी रूट्स होगी और ऊपर यहाँ लीफ होगी, ठीक है। लीफ से क्या करेगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट आने से यहाँ जो वाटर था वो उड़ गया, ठीक है। तो एक तरीके से वही मैंने आपको कूलर वाला जो एग्जांपल बताया है वही, उसमें अपने क्या कर रहे थे, माउथ से सक कर रहे थे। यहाँ माउथ से सक करने की बजाय क्या हो रहा है, पानी को कौन उड़ाने का काम कर रहा है, सूरज की किरणें, सनलाइट। सनलाइट वाटर को उड़ा देगी, एक नीचे की तरफ एक खिंचाव लगेगा, सक्शन लगेगा, एक टेंशन बढ़ेगी, इस टेंशन की वजह से नीचे जो वाटर होगा वो वाटर क्या रहेगा, अपने आप ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा। इतना ही कंसेप्ट है इसका। आगे देखिए लिखा क्या गया, उन बातों को देख लेते हैं। पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज यूजुअली हाई। कि वाष्पोत्सर्जन की दर जब ज्यादा होगी तो पानी का कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए टेंशन इन वाटर टू जाइलम ऑफ द लीव्स, ठीक है। कि आपका जो रैपिड इवेपोरेशन होगा, पानी क्या होगा, पत्तियों से उड़ता रहेगा बहुत ज्यादा, तो जितना ज्यादा पानी उड़ेगा आपके वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ज्यादा रहेगी। वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा रहेगी तो पानी में नीचे से एक खिंचाव ज्यादा लगेगा, एक टेंशन ज्यादा क्रिएट होगी, तो उतना ही वाटर क्या होगा, ऊपर की पत्तियों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू वाटर इन जाइलम। ये टेंशन कहाँ ट्रांसमिटेड कर दी जाएगी, जाइलम में ट्रांसमिट कर दी जाएगी, और जाइलम से क्या रहेगा, वाटर आपके सारा का सारा सक कर दिया जाएगा। अब इसको सारा डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़ लेना इसे, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपको समझ में ना आए, कुछ फिर भी रहता है मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सुनना समझना इस चीज को, कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है और किसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपायरेशन है, इसे क्या बोला गया, नेसेसरी इवल बोला गया, ठीक है। ट्रांसपायरेशन को क्या बोला गया, नेसेसरी इवल, यानी आवश्यक बुराई। ये क्यों बोला गया इसे आवश्यक बुराई, उस चीज को समझते हैं।
देखिए क्या हुआ कि जो आपका एक प्लांट होगा वो प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्व करता है, मान लीजिए उसने 100% वाटर एब्जॉर्व किया है, तो इस 100% वाटर का तकरीबन 99% वाटर जो है वो किसमें लॉस्ट कर देता है, आपके ट्रांसपायरेशन में लॉस्ट कर देता है। लेकिन फिर भी अपने ट्रांसपायरेशन को बंद नहीं करते, अब सर बंद कैसे करें, ये कोई वो चीज थोड़ी है, स्विच थोड़ी है इसका कि स्विच ऑन या ऑफ करके बंद कर देंगे। अगर बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, किसकी सहायता से, एंटी ट्रांसपेरेंट्स की सहायता से। एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते क्या है वो अपने आज डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रांसपायरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मान लो एक बार स्विच ही होता है ट्रांसपायरेशन बंद करने का, ट्रांसपायरेशन हम चाहें तो बंद कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका कारण सुनना। होता क्या है जनरली, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल इनका सनलाइट की प्रेजेंस में किस चीज में कन्वर्जन किया जाता है, C6H12O6 में, ये बन गया हमारा खाना। ठीक है, इस खाने का बाद में क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये खाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर लिया जाता है, आपके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस किसमें, एनर्जी में। यानी ये सारी की सारी चीजें वही, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सारा का सारा मसला तो वही है। फिर इतना लंबा छोटा प्रोसेस क्यों घुमा रहे हैं, कुछ दो तीन बातें बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, सुनना और समझना और दिमाग खोल के सुनना। सबसे पहली चीज तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, अकेला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, एनर्जी हमें दे ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए हमें ये सारी की सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, टिपिकल फोटोसिंथेसिस से गुजरना पड़ा और टिपिकल रेस्पिरेशन से गुजरना पड़ा। किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए। अब देखना सुनना एक चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्लांट ग्रहण कर रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस में ग्रहण कर रहा है और रिलीज किस चीज को कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। बात आई समझ में, इसी ऑक्सीजन को प्लांट ग्रहण कर रहा है किस चीज में, रेस्पिरेशन में, श्वसन में, इस चीज को ग्रहण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या कर दी जाएगी, फोटोसिंथेसिस में ग्रहण कर ली जाएगी, फिर से फोटोसिंथेसिस में ग्रहण कर ली जाएगी। कुछ आप चाहो तो मैं बहुत इस चीज को ना कई सारी चीजों के साथ लिंक कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन में ग्रहण की जाती है, गलत बोल दिया मैंने, सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ग्रहण की जाती है प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुक्त क्या किया जाता है, रिलीज क्या किया जाता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ग्रहण की जाती है और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप मुक्त क्या कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से फोटोसिंथेसिस में ग्रहण कर ली जाएगी और मुक्त क्या कर दिया जाएगा आपका, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फिर से किसमें ग्रहण कर लिया जाएगा, रेस्पिरेशन में, और रिलीज क्या कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कई सारी बातों को सुनना, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ग्रहण की जा रही है अगर उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी तो सिचुएशन कौन सी रह जाएगी आपकी, वो साम्य अवस्था की। ठीक है, इक्विलिब्रियम। यानी मैंने क्या किया, मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हाइपोथेटिकल कौन सी कर रहा हूँ, अमाउंट की बात। जैसे मैंने क्या किया, 100 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट लिया, अपटेक किया। ग्राम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। 100 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एनवायरमेंट से लिया और 100 ग्राम ऑक्सीजन को वापस छोड़ दिया। फिर से 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, फिर से 100 ग्राम ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो सर इस चीज का मतलब कहाँ रह गया कि प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स आप जितने ज्यादा लगाओगे वो क्या करेंगे, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करेंगे हमें। इसका क्या मतलब रह गया, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपने में लगे रहते हैं, बाहर तो उन्हें किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। लेकिन एक चीज को सुनना और समझना कि क्यों हमारे लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो इम्पोर्टेंट है और क्यों नहीं है। अगर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलेगा। अगर श्वसन ज्यादा होगा तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। एक मिनट रुको, एक और दो, हाँ जी, अब सुनिए क्या बोला गया। ऑक्सीजन, अगर रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होगा, श्वसन बहुत ज्यादा होगा, तो ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, ज्यादा बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बाहर निकलेगा तो हो सकता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा अपटेक करेगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अपटेक करेगा और फिर से रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो फिर से ये यही सारी की सारी प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अब सुनना और समझना ध्यान से, होगा क्या, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा लेकिन रेस्पिरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लांट में चाहेंगे कि एनर्जी की यूज ना कम से कम हो, जिसकी वजह से क्या रहे, खाना बचा हुआ रहे, जिसकी वजह से क्या रहे, खाना बचा हुआ रहे। क्योंकि अगर खाना बचा ही ना, हमें नहीं मतलब इन्वायरमेंट से, हमें कोई मतलब ही नहीं है इन्वायरमेंट से, बाढ़ में जाए इन्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनका चक्कर से कोई मतलब नहीं है, पेट भरने से मतलब है हमें, ठीक है, मान लीजिए एक टाइम के लिए, मतलब तो क्यों नहीं उनसे ही मतलब है, लेकिन सुनना, चीजों को एक साथ नहीं समझ सकते ना, कॉम्प्लिकेटेड काफी हो जाएंगे, इसलिए वन बाय वन देखते हैं। हमें नहीं मतलब इस चीज से कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, हम तो इस चीज से मतलब रखते हैं कि सर अगर जितना खाना बना रहे हैं उतने ही खाने को प्लांट यूज कर लेगा तो फिर हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम खेती यूं ही कर रहे हैं, वीट के अंदर दाने ही नहीं बनेंगे, फिर तो जो आपके फल होंगे फलों में कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि खाना वहां पे इकट्ठा ही नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा तो उसमें कुछ मजा ही नहीं रहेगा। हम किसके लिए फार्मिंग कर रहे हैं? प्लांट्स को पाल रहे हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं पाल रहे, हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा वो सेल्फिश क्रिएचर है ना, अपने मतलब के लिए सारे काम करते हैं। तो यहाँ ये अपने इतने बड़े दातार कैसे बन जाएंगे, इतने बड़े वो समाज सेवी किस तरीके से बन सकते हैं? इसलिए हम चाहेंगे कि रेस्पिरेशन कम से कम हो, क्योंकि मान लीजिए क्या हो रहा है, मैं 100 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस में, और उनको मैंने 100 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लौटा दिए वापस। ठीक है कि मैंने 100 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको लौटा दिए और C6H12O6 बना लिया अपना कुछ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में चला गया, रेस्पिरेशन क्या करेगा, इसको और इसको यूज करके एनवायरनमेंट से फिर से ऑक्सीजन और इसको ले करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा सारा का सारा खाना यूज कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर सारा खाना यूज कर लिया तो हम इसे स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे तो फिर फ्रूट्स में क्वालिटी कैसे आएंगी, फ्रूट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए जो ग्रहण की फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो तो ज्यादा होनी चाहिए, और रेस्पिरेशन की जो रेट है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। लेकिन अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता रहा वाटर का, अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता रहा, सक्रिय तरीके से पानी को अवशोषित करते रहे हम, तो उसमें तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी वही C6H12O6 को मुझे फिर से यूज करता रहना पड़ेगा। उसको मैं यूज करता रहा तो मेरा क्या होगा, खाना कहीं स्टोर नहीं हो पाएगा, फूड मेरा स्टोर नहीं हो पाया, फ्रूट में मेरी क्वालिटी नहीं आई, प्लस के अंदर रेस्पिरेशन ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ज्यादा अपटेक कर लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में बढ़ रहा है, बात खत्म। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इतनी बातें, एक और कंसेप्ट मैं आपको इससे बता देता हूँ रिलेटेड, वो है आपके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का या फिर ग्रीन हाउस का कंसेप्ट। अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्लांट में अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो 17 होते हैं, आप सारे लोग जानते हो। उसमें दो भागों में बांट दिया गया, एक मैक्रो एक माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, बृहद और सूक्ष्म। मैक्रो में कौन कौन से आगे, 9 आगे, माइक्रो में कौन कौन से आगे, 8 आगे, मारो गोली इनको। 9 को फिर से 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, कौन कौन से, एक बेसिक न्यूट्रिएंट उसमें रख दिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, इनको हटाओ इनको हटाओ। ठीक है, अपने इस चीज को जानते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इनके लिए अपने कोई फर्टिलाइजर नहीं देते। अगर मैं खेत में क्या दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ। ठीक है, खेत में क्या दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, मैन्योर दे रहा हूँ, वो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपके FYM हो, चाहे आपके ग्रीन मैन्योर हो, या चाहे कोई ऑयल केक हो, कुछ भी हो। ठीक है, मैं मैन्योर दे रहा हूँ खेत में। अब मैन्योर में जो कार्बन होगी, क्या वो कार्बन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? कभी नहीं। कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में ग्रहण की जाएगी, और कहाँ से की जाएगी, एनवायरनमेंट से। क्लियर ना? अब जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर अपने रखते हैं, ग्रीन हाउस जो रखते हैं, तो ग्रीन हाउस में अपने ज्यादा फायदा ले सकते हैं किस चीज का, अपने प्रोडक्शन का। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस में जो पौधे रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर हम स्टोर करके रख लेंगे, उसे बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर नहीं जाने देंगे तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता ज्यादा रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ेगी। फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ी यानी कि खाना क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, खाना ज्यादा बनेगा, लेकिन रेस्पिरेशन तो कम हो रहा है ना, बात समझ में आई? इसलिए खाना ज्यादा बनेगा तो ज्यादा स्टोर होगा। इस चीज के लिए ग्रीन हाउस में अपने इसको कर सकते हैं, और इस चीज को क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग बोल देते हैं इस चीज को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योरिंग। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ओपन फील्ड में नहीं दे सकते, क्योंकि ओपन फील्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, वो तो एनवायरमेंट में उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी,
समझ रहे हो ना चीज को, इसलिए ग्रीन हाउस में अपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा भी सकते हैं नेचुरली, कुछ अलग से ऐड भी नहीं करना अपने को, समझ में आई ना ये चीज। अब ऐसा क्यों कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे लेवल बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। अब ये लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट सारा का सारा आपने आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मोटा मोटा एक बार समरी बता देता हूँ मैंने क्या चीजें बोली है। पैसिव एब्जॉर्प्शन इसलिए जरूरी है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा ट्रांसपायरेशन के फलस्वरूप, वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप, जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा प्लांट रेस्पायरेशन ज्यादा से ज्यादा करे, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरा प्लांट जो है वो रेस्पायरेशन कम से कम करे, ठीक है। क्यों? दो कारणों की वजह से, एक तो मुझे इन्वायरमेंट से भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि मुझे सच में इन्वायरमेंट से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है और मेरे लिए इन्वायरमेंट जरूरी है, समझ रहे हो ना चीज को। मैं इंसान हूँ और मुझे खुद से प्यार है, उसके अलावा मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लेता हूँ जब मेरे फंसी होती है उस टाइम। बात समझ में आई? दूसरी चीज, प्लांट्स में रेस्पायरेशन मैं कम करवाना चाह रहा हूँ, उसका कारण ये है कि सर अगर रेस्पायरेशन ज्यादा होता रहा तो प्लांट्स में फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होंगे या बहुत ही लोअर क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे, उसका मुझे कोई वैसे फायदा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझे प्लांट की हेल्थ से या और कोई चीज से कोई लेना देना नहीं, मुझे इस चीज से लेना देना है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो, रेस्पायरेशन कम से कम हो, पानी उड़ रहा है उड़ने दो, ठीक है, इसलिए मैं ट्रांसपायरेशन को कभी नहीं रोकूंगा, एक चीज। दूसरा, अगर मैंने ट्रांसपायरेशन को रोक दिया, ठीक है, और अब वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ जाए, पड़ रहा है पानी सारे के सारे एक्टिव मेथड से, एक्टिव मेथड में एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो वो न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है ना वो सप्लाई भी साथ साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो काम मेरा फ्री में हो रहा है पैसिव तरीके से हो रहा है पानी के कारण, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपायरेशन के कारण मेरा फ्री में हो रहा है, उसके लिए मैं पैसे क्यों लगाऊंगा, एनर्जी करेंसी की बात होगी ना यहाँ पे, एटीपी क्यों लगाऊंगा मैं उसके लिए, इसी चीज के लिए नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है लेकिन शांति से बैठ के ढंग से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये आपका पैसिव आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रह गया। अब इसमें जो मैं एक डाउट बोल रहा था आपको, वो डाउट मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए, आप कहीं पढ़ोगे ना तो आपको हो सकता है ये पढ़ा हुआ मिल जाए कि जो ऑस्मोसिस होगा, जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ो आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाए कि ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी यूज नहीं होती। अच्छा सर, ऑस्मोसिस में एनर्जी यूज नहीं होती, सच्ची बताओ, फिर आपने हमें बेवकूफ बना दिया, किस तरीके से बेवकूफ बना दिया आपने, हमें बताया कि वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में ऐसा होगा, दो टाइप के हो जाएंगे, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसमें ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, एक नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, इसमें तो आपने बोल दिया एटीपी यूज होगी, इसमें तो एटीपी यूज हो ही नहीं रही, इसमें एटीपी यूज नहीं हो रही, फिर ये एक्टिव मेथड कैसे हो गया, गलत है, फिर क्यों ले रहे हो, ये डाउट है यहाँ पे, समझ गए ना डाउट क्या है। डाउट ये है कि मैंने एक्टिव एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन यही बोली है कि इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होगी, लेकिन ऑस्मोसिस में मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च हो कोई जरूरी नहीं है, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन में तो अपने काम कर रहे हैं ना सारे के सारे, इसलिए वहां इसमें एनर्जी अलग से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी मुझे, बात आई समझ में। फिर आपने इसको एक्टिव मेथड क्यों बोल दिया, अब सुनना और समझना इस चीज को, इसके मैं आपको दो एक्सप्लेनेशन दूंगा और दोनों को ध्यान से देखना। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो जाएगा कि आपके जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में आपके आपके सेल वैक्यूल इन्वॉल्व है, सेल के बाकी ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है, सेल वॉल इन्वॉल्व है, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर की कोई चीजें इन्वॉल्व नहीं है, क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर तो जाइलम वाला केस सीन हो गया ना सारा का सारा, और जाइलम को हम जानते हैं कि नॉन लिविंग सेल है, जाइलम कैसी सेल है, नॉन लिविंग, अजीवित कोशिकाएं है, वो जीवित कोशिकाएं नहीं है। अच्छा, अजीवित कोशिकाएं है, इसका मतलब क्या है, अजीवित क्या होती है, नॉन लिविंग सेल्स। नॉन लिविंग सेल्स के अगर बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि जो सेल थी सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में क्या बताया, इन्होंने एक वो ढक्कन लिया किसी बोतल का, कोक बोलते हैं ना जिसे, वो बोतल का ढक्कन लिया, ढक्कन को लिया तो उसके अंदर क्या था, माइक्रोस्कोप में देखा जब बोतल के ढक्कन की एक सेक्शन को, तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर उन्हें कई सारे चैम्बर दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके से छोटे 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 डब्बे होते हैं ना, उस तरीके से कई सारे चैम्बर दिखाई दिए, उन्होंने बोल दिया उन चीजों को क्या, सेल बोल दिया, छोटे और छोटे, एक बार ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे लेकिन कहानी बता देता हूँ वही वाली। वहां उनको वो छोटे छोटे चैम्बर क्यों दिखाई दिए, वो चैम्बर इसलिए दिखाई दिए कि वो यूज कर रहे थे किस चीज का, बोतल के ढक्कन का, जो ढक्कन क्या था, एक मरी हुई सेल, मरा हुआ प्लांट पार्ट था, मरा हुआ प्लांट था, यानी उसमें सेल्स तो थी लेकिन सारी की सारी सेल्स कौन सी थी, मरी हुई सेल्स थी, मरी हुई सेल्स यानी उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म उनमें खत्म हो गया, यानी बच क्या गया, केवल सेल वॉल,
यानी कोशिकाएं तो थी लेकिन उनके अंदर कोशिकाओं में कुछ भी था नहीं, तो वो वाली कंडीशन यहाँ होती है जाइलम के साथ। ये सेल्स तो होती हैं लेकिन इनके अंदर कुछ भी होता नहीं है, बात आ गई समझ में। लेकिन क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर जिंदा सेल्स होती हैं, उनके सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनर्जी यूज हो जाती है, इसलिए इसको भी कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में। एक एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन इसके लिए मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखना प्रेशर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। प्रेशर कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक प्रेशर हो गया पॉजिटिव प्रेशर और एक प्रेशर रह गया नेगेटिव प्रेशर। अब देखना पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज होगी। शुरू शुरू में लेक्चर स्टार्ट हुआ वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था कूलर वाला, उस एग्जांपल को फिर से याद करते हैं अपने। कूलर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, नीचे से पानी क्या किया जा रहा था, पंप किया जा रहा था। किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। एक्टिव मेथड में क्या किया जा रहा था, नीचे से पानी को पंप किया जा रहा था, यानी पानी पे नीचे से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा था कोई ना कोई। इसी प्रेशर के फलस्वरूप वोटर को लिफ्ट किया जा रहा था ऊपर, ठीक है, इसी प्रेशर के कारण वोटर को लिफ्ट किया जा रहा था ऊपर। बात समझ में आई ना। अब किसी भी चीज को हमें क्या करना है, धक्का देना है पीछे से, किसी भी चीज को पीछे से धक्का देना है, पुश करना है। हाँ, तो उसमें यही प्लांट के नीचे की जो रूट सेल्स थी, वो रूट सेल्स पानी को लिफ्ट कर रही थी, धक्का दे रही थी, ऊपर उठा रही थी। अगर मुझे किसी भी चीज को लिफ्ट करना है या पुश करना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी यूज करनी ही पड़ेगी। सेकंड, यहाँ जो प्रेशर था एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, वो प्रेशर था पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी ही पड़ेगी। क्लियर ना, एक चीज। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ नेगेटिव प्रेशर के रूप में। नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, दूसरा वही कूलर वाला एग्जांपल फिर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पाइप को क्या कर रहा हूँ, अपने माउथ से सक कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो क्या हो रहा है वहां पे, वहां पे एक नेगेटिव प्रेशर रिलीज हो रहा है। जो प्रेशर कहाँ से आया, ऊपर से आया, ऊपर से उसे खींचा जा रहा है, एक सक्शन प्रेशर रिलीज हो रहा है, एक खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है। वो कौन सा प्रेशर हो गया, नेगेटिव प्रेशर। बात समझ में आई ना। अगर नेगेटिव प्रेशर होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव प्रेशर होगा, मैं क्या बोल दूंगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई, क्लियर है ना। इसलिए इसको जो ऑस्मेटिक एब्जॉर्प्शन है, इसको भी एक्टिव मेथड में डाल दिया गया। क्लियर ना, ये इसके सारा का सारा फंडा था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या है पानी के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले, वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जो बाहरी कारक है। यहाँ पे क्या बोला गया, अवेलेबल सोइल वाटर। अवेलेबल सोइल वाटर की पानी की मात्रा कितनी है, जल के सॉरी आपकी जो मृदा है, उस मृदा के अंदर वाटर की मात्रा कितनी है, उस चीज पे निर्धार, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पे बोल दिया गया अवेलेबल सोइल वाटर, मैं समझ गया इस चीज को, लेकिन ब्रैकेट में एक चीज लिख दिया गया, नाइदर एक्सेस नॉर डेफिशिएंट, ना तो ज्यादा हो और ना ही क्या हो, कम हो। अब मुझे बताइए विकास, आप बताइए कि चलो ठीक है डेफिशिएंट हो गया, मैं समझ गया कि पानी की मात्रा कम है सोइल के अंदर, तो ठीक है पानी की मात्रा ही कम है तो वो एब्जॉर्ब कहां से करेगा, ये एक्सेस वाले में क्या दिक्कत है हमें, वो बताइए आप विकास। पानी की मात्रा ज्यादा है अगर सोइल में तो हमें उससे क्या दिक्कत है, हाँ जी सर। पानी की मात्रा अगर मृदा में, यहाँ क्या बोल दिया गया कि सोइल जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, उनमें एक्सटर्नल फैक्टर सबसे पहले दे दिया गया कि बाहरी कारक कौन कौन से है जल को प्रभावित करने वाले, जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले। पहला बोल दिया गया अवेलेबल सोइल वाटर की जल में, जल की मात्रा कितनी है किसके अंदर, मृदा में। फिर ब्रैकेट में लिख दिया गया कि ना ही तो जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ना ही जल की मात्रा कम होनी चाहिए। चलो कम वाली बात मुझे समझ में आ गई कि ठीक है पानी कम है तो कम पानी को मैं अब्जॉर्व कैसे करूंगा, ज्यादा वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही, प्लीज मुझे समझा दो ये चीज। पानी की मात्रा अगर मृदा में ज्यादा होगी तो सोइल वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से प्रभावित होगा, सर वो मैक्रो माइक्रो पोर सारे भर जाएंगे, फिर क्या हो गया, तो फिर सर एब्जॉर्प्शन में दिक्कत ही आएगी। कैसे दिक्कत आएगी, पानी की मात्रा ज्यादा ही होगी ना, तो फिर वो ग्रैंड नहीं कर पाएगा सर, तो नहीं कर पाएगा ग्रैंड, तो ऑस्मोसिस से करना है ना, पानी तो बाहर जितना, अच्छा ठीक है पानी की मात्रा बाहर ज्यादा हो जाएगी तो बाहर ज्यादा वाटर पोटेंशियल हो गया, वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा है अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी से आराम से ग्रैंड करता रहेगा, दिक्कत कहाँ आती है। फिर आप बताओ सर। मैम आप बताइए, शोभना मैम, हाई वाटर अगर पानी की मात्रा बाहर ज्यादा होगी उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है, कम से तो मैं समझ गया कोई दिक्कत नहीं है जी। मैम आंसर दीजिए इस चीज का कि अगर पानी की मात्रा बाहर ज्यादा होगी उससे हमें क्या प्रॉब्लम है, सर
सर फिर सॉइल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बिल्कुल, सोयल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट आंसर, लेकिन उससे क्या हो जाएगा वो बताइए। सर इतना ही पता है आगे, मतलब इसका प्रोसेस नहीं पता, पर इतना है अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, शायद तक रेस्पायरेशन नहीं होगा रूट में। बिल्कुल सही, रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा रूट्स में, रेस्पायरेशन नहीं हुआ फिर क्या हो पाएगा, आगे बढ़ रहे हो ना खुद खुद के आगे दिमाग से। अरे आपको अभी रेस्पायरेशन में नहीं आ रहा था लेकिन आपने रेस्पायरेशन बता दिया। अब सोचिए, मजबूर कीजिए खुद के ब्रेन को सोचने के लिए कि सोयल में पानी की मात्रा बढ़ गई, क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं रह पाया, मैक्रोपोर्स भर गए, मैक्रोपोर्स में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं रह पाया, ऑक्सीजन नहीं रह पाया, रेस्पायरेशन नहीं हो पाया। रेस्पायरेशन से होता क्या है, फायदा क्या है रेस्पायरेशन का, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी, एनर्जी तक पहुंच गई, एनर्जी का यूज क्या होता है, एनर्जी का यूज सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, सही है ना। यानी अगर सोयल में ऑक्सीजन नहीं रह पाया तो अल्टीमेटली सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगी, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होगी तो मामला खराब हो गया सारा का सारा। अब कहें कि आपके एब्जॉर्प्शन वाटर का और कहें उसका आगे ट्रांसफर, समझ रहे हो ना, सेल से मर जाएंगी थोड़े टाइम बाद में, ये वाली समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंक करो, आप कर सकते हो इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ जी आगे देखिए। हाँ जी, एक्सटर्नल फैक्टर में एक अपने देख लिया, उसके बाद में बोला गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोयल सॉल्यूशन, यानी किस चीज की मात्रा, सोयल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब आप में से मुझे फिर से कौन बताएगा इस चीज को कि कंसंट्रेशन किस तरीके से प्रभावित करेगा। किससे पूछूं अभी, कोई आंसर करने वाला है। हाँ जी राहुल आप बताइए, हाँ जी सर, कंसंट्रेशन सोयल वॉटर सॉल्यूशन की किस तरीके से प्रभावित करेगी सोयल के एब्जॉर्प्शन को, वाटर के एब्जॉर्प्शन को। सर आपने बताया था अभी जैसे कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको सेल मेम्ब्रेन रोक लेगी कि बाहर नहीं जाना, नहीं, तो फिर वो सोयल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, सेल की कंसंट्रेशन की तो बात कर ही नहीं रहे, ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन वो प्रभावित करेगा पानी के एब्जॉर्प्शन को, वो कैसे करेगा वो बताओ मुझे, सेल के बारे में तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे सर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो किस सर चीज उसके की, अंदर सोल्यूट वगैरह किस पानी चीज की, की सर कम, बिल्कुल सही, पानी की, कहाँ पानी, सोइल के अंदर जो वाटर पाया जा रहा है उसकी सोयल के कंसंट्रेशन अंदर। अगर ज्यादा होगी हाँ आगे जी फिर क्या सर, तो होगा, उसके अंदर सोल्यूट वगैरह कम होंगे सर, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सोल्यूट कम होंगे, ओ सॉरी बताओ। सॉल्वेंट वगैरह कम होंगे सर उसके अंदर। चलो ठीक है, आप सॉल्वेंट कम होंगे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, ठीक है फिर। हाँ जी, तो एब्जॉर्प्शन को तो प्रभावित करेगी सर, जो मेन चीज है अपने को अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा अब एक चीज सुनना, ये सारा सारा एब्जॉर्प्शन पानी का हो कैसे रहा था, ओस्मोसिस के कारण हो रहा था, जो आप हाँ जी बोल रहे सर, हो वो चीज ठीक है, लेकिन वो हो क्यों रहा है, ओस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ओस्मोसिस क्या है, जो आपके रूट हेयर्स थी उनकी लो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज्यादा टू, हो, बाहर कंसंट्रेशन जो हो, सोयल के अंदर जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, लो हो, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी भेज दिया जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में तो क्या हो गया, आपकी हाँ जो जी सर, सेल है उसकी वही फिक्स कंसंट्रेशन है, लेकिन बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में तो वो कहेगा ना, अब की बार तेरी कंसंट्रेशन लो है और मेरी कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या कर तू पानी को बाहर भेज दे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को, उल्टा हो जाएगा काम सारा का सारा, हाँ जी सर, ये उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही, रूट सेल्स जो होगी वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगी इस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, आप सोचो ना, बाहर कौन सा सॉल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया, अंदर कौन सा रह गया, हाइपोटोनिक रह गया, ठीक है, तो वही सारा का सारा उल्टा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन होगी सोयल सॉल्यूशन की, वो प्रभावित करेगी सोयल एयर को, अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोयल एयर किस तरीके से प्रभावित करेगा अगर आपके पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अच्छा एक चीज और आ गई यहाँ पे, वो और बता देता हूँ साथ के साथ, एक वर्ड आ गया यहाँ पे, आपने क्या बोला कि मैक्रो और माइक्रोपोर्स दोनों भर जाएंगे, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इस टाइम कि अगर पानी की मात्रा सोयल में ज्यादा होगी तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, कौन सी, वाटर लॉगिंग कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जल भराव की स्थिति। अब देखना, एक टर्म होती है लॉगिंग और एक टर्म होती है लॉजिंग, दोनों में फर्क देखना, ठीक है, एक होती है लॉगिंग और एक होती है आपकी लॉजिंग, डिफरेंस क्या है इनके अंदर, केवल एक डी और जी का डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा सेम है। अब वो डी और जी से क्या फर्क पड़ गया देखना, लॉगिंग को अपने पूरी तरीके से नहीं बोल सकते लेकिन लॉजिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चैट में एक मैसेज आया है कि लॉगिंग मतलब गिरना, नहीं गलत, ठीक है, लॉजिंग का मतलब क्या होगा, गिर जाना, लॉजिंग का मतलब हमेशा क्या होगा, गिर जाना, गिरेगा कौन, क्रॉप गिरेगी, किस तरीके से गिरेगी, लॉजिंग दो टाइप की होगी, एक होगी आपकी वॉटर लॉजिंग, ठीक है, एक होगी आपकी क्रॉप लॉजिंग,
उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा लॉगिन के बारे में, लॉगिन भी दो टाइप की होगी, एक होगी आपकी वाटर लॉगिन और एक होगी आपकी क्रॉप लॉगिन। ठीक है, अब देखना लॉजिंग के बारे में आप हमेशा फिक्स कर सकते हो, लॉजिंग का मतलब होगा गिरना, लेकिन लॉगिंग का मतलब हमेशा बराबर वाली स्थिति नहीं होगी। अगर मैं वाटर लॉगिंग कंडीशन की बात करूंगा तो वाटर लॉगिंग वो वाली स्थिति होगी जब आपकी मृदा के अंदर मैक्रो और माइक्रो पोर्स सारे के सारे पानी से भर गए, मैक्रो और माइक्रो पोर्स सारे के सारे पानी से भर गए, वो कंडीशन कौन सी होगी? वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की अवस्था। क्रॉप लॉगिंग के ये सी है, क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा, क्रॉप लॉगिंग क्या होती है? एक आपके प्लांट का न्यूट्रिएंट एनालिसिस करने का तरीका होगा, किस चीज का, कि सोयल में कितने न्यूट्रिएंट है उस चीज को एनालिसिस करने का एक तरीका है। कौन से क्रॉप में यूज किया जाता है? जनरली शुगर कैन क्रॉप में यूज किया जाता है। किस चीज को देखने? प्लांट की पत्तियों को देख के ये चीज डिसाइड की जाती है कि क्रॉप के सोयल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में है। किस तरीके से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम को ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं, आपको आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस क्या होगी? क्रॉप लॉगिंग। लॉजिंग के बारे में बात करूंगा, लॉजिंग क्या हो गया? वाटर लॉजिंग। अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन उत्पन्न हो गई, अगर जल भराव की कंडीशन उत्पन्न हो गई, तो उसकी वजह से आपके जो रूट सेल्स होंगी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी, रूट सेल्स डेड, रूट खत्म तो प्लांट खत्म। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पौधा जमीन से ऊपर कितना है, इससे फर्क पड़ता है जमीन के नीचे कितना है। जमीन के नीचे वाला सारा हिस्सा खत्म, वो हिस्सा खत्म, प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अगर जल भराव के कारण प्लांट गिर गए तो उसे क्या बोल दिया? वाटर लॉजिंग। अगर बहुत तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बहुत हाई स्पीड हाई विंड वेलोसिटी की वजह से प्लांट्स गिर गए, उसको क्या बोल दिया? क्रॉप लॉजिंग। बात आएगी ना समझ में? वाटर लॉजिंग क्या हो जाएगा? अगर पानी की वजह से गिर गए, जल भराव की वजह से प्लांट्स गिर गए, उसे बोल दिया वाटर लॉजिंग। क्रॉप लॉजिंग क्या हो गया? अगर हाई स्पीड हाई विंड वेलोसिटी इन सारे कारणों की वजह से गिर गए तो उसे बोल दिया क्रॉप लॉजिंग। यहाँ वाटर लॉगिंग समझ गए सारा का सारा, मैक्रो माइक्रो पोर्स भर गए, और क्रॉप लॉगिंग भी समझ गए आप सारी की सारी, आई होप सो। ये चार वर्ड सिमिलर वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे देखिए, सोइल एयर वाला आप समझ गए अच्छे से, अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन हो गया। सोइल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो अगर टेम्परेचर रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फेवरेबल है हमारे लिए। लेकिन उससे ज्यादा हो गया या फिर बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो आपके वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, जल अवशोषण की दर धीमी हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा? अगर टेम्परेचर क्या रह गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर क्या हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका जल ग्रहण, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी, ऑलमोस्ट रुक जाएगी। अब इसका कारण क्या है? मुझे कारण बताइए विकास साहब, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो अपने वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों रुक जाएगा? तो 0 डिग्री पे जम जाएगा ही। क्या जम जाएगा? पानी। फिर तो फिर क्या एब्जॉर्ब कर सकता वो प्लांट? सॉलिड फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? नो सर। देखना सुनना इस चीज को, बिल्कुल सही है ये चीज, लेकिन काफी इजी हो गया क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इसलिए काफी इजी हो गया। लेकिन इस चीज को समझना, क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड था वो लिक्विड बन गया आपके आइस, ठीक है, और ऑस्मोसिस है, वो ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड के लिए वैलिड है, कि किसी भी गैस फॉर्म के लिए या फिर किसी भी सॉलिड फॉर्म के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। जबकि डिफ्यूजन है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड फॉर्म में होगी, केवल और केवल तरल अवस्था में होगी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे क्या बोला गया? इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक कौन कौन से होंगे? आंतरिक, ये तो सारे बाहरी कारक हो गए ना जो प्लांट के बाहर है, अब आंतरिक कारकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की दर जितनी ज्यादा होगी सक्शन प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। उसके अलावा बात करूं अगर मैं तो आपके टेंशन उतनी ज्यादा क्रिएट होगी, ठीक है, तनाव उतना ज्यादा क्रिएट होगा, उसकी वजह से पानी उतना ज्यादा ऊपर की तरफ खींचा चला जाएगा। एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम, क्या बोला गया? एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम यानी कि जो आपकी जड़ें होंगी वो जड़ें जितनी ज्यादा फैली हुई होंगी, जितनी ब्रांच्ड होंगी, जितनी शाखित होंगी, वो क्या करेंगी? उतनी ज्यादा रूट हेयर्स उत्पन्न करेंगी। जितने मूल रोम या रूट हेयर्स उत्पन्न करेंगी उतने ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा वाटर एब्जॉर्प्शन की स्पीड उतनी ज्यादा, रेट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद में बोल दिया गया मेटाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो सोयल एयर वाले से, यानी क्या? सोयल के अंदर जो सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स से तरीके से काम कर रहे होंगे तो ये एक सेल अपना काम कर पाएगी, अदरवाइज अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे किस चीज को? वाटर एब्जॉर्प्शन को, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। आगे देखिए,
आगे किसके बारे में बोला गया, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वेक्टर एब्जॉर्प्शन की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वेक्टर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्या क्या है, इससे फिर से आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे इस चीज के रिगार्डिंग, एक्टिव और पैसिव वेक्टर एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या बोल दिया गया, इट इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट एंड पर्टिकुलरली रूट हेयर्स, यानी कि एक्टिव वेक्टर एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा, रूट हेयर्स की वजह से, और ये किसकी वजह से होगा, शूट सिस्टम की वजह से, यानी अपर पार्ट की वजह से। फिर से चले जाओ वही कूलर वाले एग्जांपल में, एक्टिव मेथड, मोटर ऑन करके मैंने पानी बाहर निकाल दिया, कौन सा हिस्सा है जो काम कर रहा है, वर्क परफॉर्म किसके द्वारा किया जा रहा है, नीचे वाले हिस्से के फलस्वरूप, कूलर में मोटर कहाँ लगी रहती है, नीचे, ठीक है। पैसिव मेथड, पानी को खींच रहा हूं मैं, कौन से वाले हिस्से के फलस्वरूप काम हो रहा है, मैं पानी पाइप को सबसे ऊपरी हिस्से से मैं पाइप को खींच रहा हूँ, वाटर को सक कर रहा हूँ थोड़ी, सॉरी वहां से, इसलिए ऊपर वाले हिस्से के फलस्वरूप पानी बाहर जा रहा है। बात आई ना समझ में, दोनों में एक्टिव मेथड कौन, एक्टिव मेथड नहीं सॉरी, दोनों में वो हिस्सा कौन सा है जिसकी वजह से प्रोसेस हो रही है, तो एक्टिव मेथड में तो नीचे वाला हिस्सा, पैसिव मेथड में ऊपर वाला हिस्सा, क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये ट्रांसपिरेशन हो गया, और एक्टिव मेथड में क्या हो गया आपका, रूट हेयर्स, एक चीज। आगे क्या बोल दिया गया, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से होगा, क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है अपने को। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रोसेस की वजह से होगा, जिसके अंदर डीपीडी की वजह से होगा, जिस सेल्स की डीपीडी ज्यादा होगी वो क्या करेंगी, अपनी तरफ वाटर को खींचते चली जाएंगी। डीपीडी का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, सक्शन प्रेशर। लेकिन ये वाला जो होगा वो होगा जो जाइलम होगी, जाइलम में वास्कोसर्जन की वजह से क्या हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, खिंचाव वर्ड बिल्कुल सही है, यहाँ पे ध्यान रखना है, नेगेटिव प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये सारी की सारी प्रोसेस होती चली जाएगी। जो एक्टिव मेथड होगा उसके अंदर सिम प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। अब सिम प्लास्टिक मूवमेंट कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से पानी ट्रांसफर किया जाएगा आगे, किसके माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा, यानी वही प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा यानी क्या, वही दो सेल्स के बीच में खिड़कियां या दरवाजे, बताए ना समझ में, यानी इसमें कौन सा मैकेनिज्म रहेगा, सिम प्लास्टिक, जबकि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाएगा, एक्वाप्लास्ट मैकेनिज्म। अब ये चीज की आप बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है प्लांट्स में, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हो एक्टिव में तो एनर्जी लगेगी तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए दो तरीकों से नुकसानदायक हो गया, एक तो प्लांट के अंदर खाना नहीं बच पाएगा, दूसरा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बताए ना समझ में। इसलिए यहाँ क्या करेंगे अपने, वो वाला मेथड यूज करेंगे जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो। अब पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में जो वाटर का पाथवे रहता है वो एपोप्लास्टिक पाथवे रहता है, और पाथवेज में हमने पढ़ा था कि जनरली कौन सा पाथवे फॉलो किया जाता है प्लांट के द्वारा, मोस्टली एपोप्लास्टिक पाथवे। उसका कारण क्या है, क्योंकि मोस्टली पानी एब्जॉर्ब कैसे करते हैं अपने, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन से। लेकिन इसी के साथ में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर की वजह से क्या हो जाएगा, इम्परमेबल लेयर पाई जाएगी सेल वॉल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पानी को सेल मेम्ब्रेन की वहां से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए जो एंडोडर्मिस सेल्स है इनको पैसिव सेल्स भी बोल दिया हमने, बताए ना समझ में। उसके बाद में एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के, तो क्या हो गया इसके एविडेंस, रूट प्रेशर की वजह से सारा का सारा काम होगा। रूट प्रेशर यानी नीचे से पानी को ऊपर की तरफ पंप करना, वही सेम बात रूट प्रेशर। और इसमें चीजें कौन कौन सी, एविडेंस कौन से हो जाएंगे इसके, ब्लीडिंग और गटेशन। अब ब्लीडिंग होते क्या है, गटेशन क्या होता है, ये अपने अभी नहीं डिस्कस करेंगे वरना लंबा हो जाएगा। ब्लीडिंग और गटेशन को आप यूं मान लो, गटेशन तो होते हैं स्टोमेटा के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोथोड, तो इनके माध्यम से पानी का बाहर निकलते रहना प्लांट से। और जो जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग क्या हो गया, अगर प्लांट में कहीं कोई कट लग गया तो वहां से वाटर बाहर निकलना शुरू कर देता है, वो आपका ब्लीडिंग हो गया। डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में। हाँ जी, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के एविडेंसेस की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस यही हो गया कि सर आप ना पानी में एक काम करो, एक प्लांट लो, उस प्लांट की जड़ें काट दो, जड़ें काटने के बाद में प्लांट को रख दो वाटर में, ठीक है, तो वो प्लांट में वाटर डिलीवर होता रहेगा, जड़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वाटर डिलीवर करने के लिए प्लांट में। बात समझ में आई ना, ओके। आगे देखिए, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, एसेंट ऑफ सैप। अब हमने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया एक बार जान लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि पानी जो है वो पौधे में आया कैसे, ठीक है, किस तरीके से पानी पौधे में पहुंच गया। अब उसके बाद में क्या मैकेनिज्म रह गया, बाद में मैकेनिज्म आपका ये रह गया कि अब पौधे में पानी तो आ गया लेकिन ये कौन से पार्ट में आया, रूट्स में आया है, मुझे पूरे के पूरे प्लांट में पानी पहुंचाना है, तो पूरे के पूरे प्लांट में पानी में कैसे पहुंचाऊंगा।
जड़ों के माध्यम से पौधे में, पूरे के पूरे पौधे में अगर मैं पानी ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इस चीज को नाम क्या दे देता हूँ मैं, एसेंट ऑफ सैप। क्या देता हूँ? एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब क्या हो गया? एक लिक्विड जिसके अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों घुले हुए हैं, उस चीज को बोलते हैं सैप। कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में। क्लियर? आगे देखिए इसके बारे में कुछ बातें, छोटा सा टॉपिक है ये, बिल्कुल फटाफट से निपटा लेते हैं वरना ये रह जाएगा। एसेंट ऑफ सैप खत्म हो गया, उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बाद में आज नहीं करेंगे, हो सकता है नाइट वाली क्लास में या फिर कल वाली क्लास में करेंगे ट्रांसपायरेशन। उसके बाद में एक लाइट सा टॉपिक करेंगे क्योंकि काफी हैवी हो गया ना काम, न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में फिर से फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। हाँ जी, एसेंट ऑफ सैप के बारे में बात करें तो क्या बोल दिया गया, द वाटर आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या? कि जो रूट से जो पानी अवशोषित किया जाएगा वो सारे के सारे प्लांट में एब्जॉर्ब कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं अपने? एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, कहाँ? पौधे के सबसे ऊपरी भाग में जल को पहुंचने के लिए पानी को कहाँ करना, कहाँ से मूव करना पड़ेगा? स्टेम यानी तने के माध्यम से उसे मूवमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। बस इतनी डेफिनेशन है इसकी, कि आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, जाइलम की। जाइलम के माध्यम से जो जल होती है उसकी ऊपर की दिशा में जो गति रहती है, जो मूवमेंट रहती है, उस चीज को क्या बोल देते हैं हम? एसेंट ऑफ सैप या फिर रसारोहण। ठीक है, बाद में क्या बोल दिया गया, वही सैप के बारे में बता दिया गया। सैप क्या है? वही वाटर और डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर लिक्विड को अपने क्या बोलते हैं? सैप बोलते हैं। अब देखते हैं कि जाइलम ही, क्या जाइलम ही होता है जो एसेंट ऑफ सैप का काम करता है या कोई और ऑर्गेनल्स होता है? तो इसके एविडेंस दिया गया, वो एविडेंस कौन सा है और कौन से साइंटिस्ट ने दिया उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट दिया गया इसके एविडेंस में, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा दिया गया? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से वर्ड क्या निकल के बाहर आया? रिंग। ठीक है, रिंग आप सारे लोग समझते हो, छल्ला। क्या हुआ? ये एक प्लांट था, इस प्लांट का क्या कर दिया, यहाँ से ऊपर ऊपर का सारा भाग हटा दिया, यहाँ से इतनी दूर से ऊपर ऊपर का सारा भाग हटा दिया, यानी एक रिंग यहाँ से उतार दी, एक छाल उतार दी रिंग के स्ट्रक्चर में, रिंग की शेप में। ठीक है, सारी की सारी। अब हुआ क्या इससे, आप लोगों ने रूट की एनाटोमिकल स्टडी कर रखी है सारी की सारी, तो आप जानते हो कि जो रूट होती है, जो टिश्यू होते हैं जनरली, वो तीन टाइप के पाए जाते हैं प्लांट में। कौन कौन से? एक डर्मल टिश्यू, एक ग्राउंड टिश्यू और एक आपके वैस्कुलर टिश्यू। तो जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उसी के पार्ट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम है, वैस्कुलर टिश्यू है, कहाँ पाए जाते हैं? तने के बिल्कुल सेंटर में पाए जाते हैं, यानी ऊपर ऊपर साइड वाला जो इसने हटा दिया, यानी इसने क्या हटा दिया? कॉर्टेक्स हटा दी, एपिडर्मिस हटा दी, ये टाइप की चीजें इसने हटा दी। क्या बच गया अंदर? केवल वैस्कुलर टिश्यू अभी भी प्लांट में बच गया। ओके सर, वैस्कुलर टिश्यू बच गया तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लांट पानी तो वहीं से ट्रांसफर होगा। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ हो गया, फिर इसने वाटर में रखा, अभी भी वाटर क्या था, वो डिलीवर हो रहा था सारे के सारे प्लांट में। तो बाद में ये रिजल्ट दे दिया गया कि हाँ जी, ऊपर ऊपर की छाल हमने हटा दी, फिर भी पानी डिलीवर हो रहा है, बचे जाइलम और फ्लोएम में, डेफिनेटली वही कर रहे हैं ये सारा काम। एक चीज फिर बाद में इसी के साथ उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया, जिसके अंदर इस बार उन्होंने छाल नहीं हटाई बल्कि सेंटर वाला जो पार्ट था उसे हटा दिया, छाल को नहीं हटाया, सेंटर वाले पार्ट को हटा दिया। इस टाइप का काम उन्होंने जब करके देखा तो उनका वाटर जो था वो ट्रांसफर होना बंद हो गया। वाटर ट्रांसफर बंद हो जाने के कारण उन्होंने बोल दिया कि अगर आप जाइलम वाले पार्ट को या वैस्कुलर टिश्यू को हटा दोगे तो वाटर आपका ट्रांसफर नहीं होगा, अगर आप नहीं हटाते हो तो आपका वाटर क्या रहेगा? ट्रांसफर होता रहेगा। देख लेते हैं क्या लिखा गया, कुछ मिस ना हो गया अपना। द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कौन सा? रिंगिंग, यानी रिंग रिमूव की, इसलिए क्या बोल दिया गया? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया किसने? मेल्पिगी ने किया। वो ये बताता है कि एसेंट ऑफ सैप किसके कारण होता है? जाइलम के कारण होता है। होता क्या है एसेंट ऑफ सैप, आप समझ गए ना, जो जल होगा, जल का जाइलम से पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होना, एसेंट ऑफ सैप। ए रिंग ऑफ बार्क, फिर वही बात है, इसमें कुछ नई चीज है नहीं, जाइलम इज रिप्लेस्ड बाय, इसमें कोई नई चीज है नहीं, बस वही वाला सारा का सारा एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको, पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए पूछ लेना। हाँ जी, आगे क्या बोल दिया गया, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, कि एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म क्या होगा? आपने बता तो दिया, ठीक है जी, नीचे से ऊपर पानी आपके पानी डिलीवर हो जाएगा, किसके माध्यम से हो जाएगा? जाइलम के माध्यम से हो जाएगा। होगा किस तरीके से वो बताइए। ठीक है, तो कुछ जनरल इसमें मैं आपको चीजें बता देता हूँ, इनमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, कुछ एक थ्योरी जो तो आपको है पढ़नी, ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक या दो थ्योरी ऐसी है जो आपको पढ़नी है, बाकी हर एक थ्योरी का नाम और उसका साइंटिस्ट, किसने वो थ्योरी दी थी, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप के बारे में अगर बात करूंगा तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके की थ्योरीज दी गई, तीन थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी कौन सी? वाइटल थ्योरी। दूसरी कौन सी? रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरी कौन सी? फिजिकल फोर्स थ्योरी। थ्योरी तीन नहीं है, थ्योरी इनके अंदर और बहुत सारी, जैसे दो वाइटल थ्योरीज है, रूट प्रेशर की एक ही थ्योरी है, फिजिकल फोर्सेस की चार थ्योरीज है, लेकिन है वो सारी की सारी किस चीज पे? वाइटल का मतलब हो गया लिविंग, जिंदा। वाइटल का मतलब क्या हो गया? लिविंग यानी जिंदा।
ठीक है, यानी जिंदा है कौन, जाइलम, वाटर ट्रांसफर का काम ही जाइलम कर रहा है, यानी जाइलम सेल्स है जो जीवित है, लिविंग सेल्स है, ये कहती है वाइटल थ्योरी। दूसरी थ्योरी कौन सी है, रूट प्रेशर थ्योरी। अब रूट प्रेशर कहाँ जनरेट होता है आप सारे लोग जानते हो, जो जाइलम होगा, जाइलम के अंदर क्या रहेगा, पानी आकर के इकट्ठा होगा आपके कहाँ से, पेरिसाइकल सेल से, उनकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसे अपने कहते हैं रूट प्रेशर, तो वो उससे रिलेटेड थ्योरी होगी। तीसरी थ्योरी क्या कह रहा है कि फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल का मतलब कोई भौतिक बल होगा वो कार्य कर रहा होगा पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करने के लिए, नीचे से ऊपर डिलीवर करने के लिए। क्लियर, आगे देखिए, सबसे पहले बोला गया वाइटल थ्योरीज यानी जैविक सिद्धांत कौन कौन से, इसमें क्या बोल दिया गया कि द लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप, पौधे की जो जीवित कोशिकाएं होंगी वो जीवित कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसेंट ऑफ सैप या फिर रसारोहण के लिए। ठीक है, दो थ्योरीज है इसमें कौन कौन सी, रिले पंप थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी। रिले पंप थ्योरी किसने दी, इन्होंने दी, पल्सेशन थ्योरी इन्होंने दी। इंपॉर्टेंट कौन सी, पल्सेशन थ्योरी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पल्सेशन थ्योरी थी किसने दी है, जैसी बोस ने दी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है क्या इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रिले पंप थ्योरी, अब आप जानते हो कि रिले पंप थ्योरी है, नाम से पता लग रहा है कौन सी है, वाइटल थ्योरी है, वाइटल थ्योरी है, तो पंप थ्योरी, पंप का मतलब क्या हो गया, पुश करना है एक तरीके से। पंपिंग का काम कौन करता है, कूलर के अंदर जो मोटर लगी रहती है वो पंपिंग का काम करती है, मोटर लिविंग है एक तरीके से। अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूंगा मैं, यहाँ लिविंग की डेफिनेशन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या दे रहा हूँ अभी, कि लिविंग वो है, मान लीजिए कि लिविंग वो है, जिंदा वो है जो एनर्जी यूज कर रहा है, और मरा हुआ वो है जो एनर्जी यूज नहीं कर रहा। मान लीजिए जीवित और अजीवित की परिभाषा ये है। तो कूलर वाली मोटर के बारे में बात करूंगा, तो मोटर पानी को पंप करती है तो जीवित है ना, बस। तो यहाँ उसने भी क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि जो जाइलम सेल्स है वो जाइलम सेल्स जीवित हैं, और जिस तरीके से कूलर वाली मोटर पानी को ऊपर पंप करती रहती है वो जीवित होने के कारण पानी को ऊपर पंप करती रहेंगी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आप सारे लोग जानते हो जाइलम सेल्स है वो तो डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, ए लिविंग होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी गलत होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने दी थी, काफी पुराने टाइम में दी थी, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना उसको। दूसरी कौन सी दे दी गई, पल्सेशन थ्योरी, ये किसने दी, जेसी बोस ने दी। इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो जाइलम है, हो सकता है वो तो आपके नॉन लिविंग हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके पास जो कोर्टिकल लेयर है, जाइलम के बिल्कुल बाहर जो कोर्टिकल लेयर है वो आपकी क्या है, लिविंग सेल्स है। वो लिविंग सेल्स क्या करेंगी, एक तरीके से एक प्रेशर को जनरेट करेंगी, एक तरीके से पानी को आगे डिलीवर करने का काम करेगी, जिसकी सहायता से क्या होगा, पूरे के पूरे पौधे में क्या होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इन्होंने बोल दिया कि वाटर जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कोर्टिकल लेयर की वजह से हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा भी नहीं है। अच्छा सर आप जानते हो, कैसे जानते हो, मैंने सर ना एक पढ़ा था इनका, स्ट्रासबर्गर के बारे में पढ़ा था कुछ, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन दिया था, एक इसके खंडन के साथ एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसकी वजह से मैं जानता हूँ। अच्छा हमें भी बता दीजिए, बिल्कुल। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा गया, द ऑब्जेक्शन टू दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर। अब स्ट्रासबर्गर ने इसके सामने क्या दे दिया, अपना ऑब्जेक्शन कर दिया। क्या ऑब्जेक्शन किया, ये बोल रहा था कि जो कोर्टिकल लेयर्स जो होंगी वो जिंदा होती है, वो जिंदा होने की वजह से वाटर आगे डिलीवर किया जाएगा। इसने बोल दिया कि भाई साहब मैंने तो ये डाल दिया एक पॉइजन। कौन सा पॉइजन, पिक्रिक एसिड डाल दिया जिसने जिंदा कोशिकाओं को मार डाला। कौन सी जिंदा कोशिकाओं को, रूट सेल्स में जो जिंदा कोशिकाएं थी उनको मार डाला। जाइलम सेल्स तो पहले से डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, इन्होंने कोर्टिकल लेयर को भी मार डाला। लेकिन फिर उन्होंने जब पानी में रख के देखा तो भी क्या हो रहा था, वाटर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। किसकी वजह से, पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। सेल्स मर चुकी हैं, उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, लेकिन सेल्स तो फिर भी रहेंगी ना, सेल वॉल तो फिर भी रहेंगी, वो पानी तो सक कर लिया जाएगा ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन से पानी ग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये वाली थ्योरी भी इनकी क्या हो गई, गलत साबित कर दी गई। किनके द्वारा, स्ट्रासबर्गर के द्वारा। लेकिन एग्जाम में पूछते हैं पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी, जेसी बोस ने दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में क्या आ गया, रूट प्रेशर थ्योरी। अब रूट प्रेशर क्या होता है वो आप सारे लोग जानते हो, या अभी थ्योरी क्या है, थ्योरी में बात कर लेते हैं। दी किसने, ये प्रिस्टले ने दी। अब आप जो एक बहुत ही फेमस बुक पढ़ते हो नेमरा सुंडा, उस बुक में लिखा है साइंटिस्ट के नाम में लिखा है वहां पे स्टीफन हेल्स, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। रूट प्रेशर टर्म जो थी, स्टीफन हेल्स सबसे पहले बता दूं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स। दूसरी चीज बता देता हूँ कि जो रूट प्रेशर जो टर्म है वो टर्म किन्होंने दी थी, स्टीफन हेल्स ने। लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी किस चीज के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए, ये किसने दिया, प्रिस्टले ने। कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें। हाँ जी,
यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोल दिया कि जो जाइलम होगा, जाइलम के अंदर जो रूट प्रेशर डेवलप होगा, उस रूट प्रेशर की वजह से पानी आगे भेज दिया जाता है सारा का सारा, ठीक है। लेकिन ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि जाइलम में जो रूट प्रेशर जो जनरेट होता है वो रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से मान लो, एक तो आप वो 3 हॉर्स पावर की मोटर यूज कर रहे हो, एक आप वो 8 हॉर्स पावर की मोटर यूज कर रहे हो। 3 हॉर्स पावर वाली बहुत ऊपर तक नहीं भेज पाएगी, लेकिन 8 हॉर्स पावर वाली काफी ऊपर तक भेज पाएगी। तो बस वही चीज है मैग्नीट्यूड। अब इनसे समझ लेना, 3 हॉर्स पावर वाले का मैग्नीट्यूड 3 हॉर्स पावर है, 8 हॉर्स पावर वाली मोटर का मैग्नीट्यूड 8 हॉर्स पावर है। मैग्नीट्यूड वर्ड को यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना, यानी उनकी क्षमता कितनी है एक तरीके से, ठीक है। तो जो रूट प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, कितना होता है, तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर, जो कि एक बहुत कम मैग्नीट्यूड हो गया। यानी डेफिनेटली ये जो रूट प्रेशर है वो रूट प्रेशर भेज सकता है, पानी को ट्रांसलोकेट कर सकता है, परंतु इतनी ज्यादा हाइट तक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, ठीक है। बाद में बाकी ये भी बातें हैं कि अगर इन्होंने क्या कर दिया कि लीफ जो पार्ट है, लीफ उसको अगर काट भी दिया और फिर भी बीकर में रख दिया तो भी क्या हो रहा है, वो सफिशियंट ग्रीन रह रहा है, यानी कि उसके लिए जरूरत नहीं है। किस चीज के लिए? रूट प्रेशर के लिए, ठीक है। बाकी रूट प्रेशर वाली जो थ्योरी है, उस थ्योरी की यही सबसे बड़ी कमी है कि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे प्लांट में काफी हाइट तक ये पानी को आगे फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, रूट प्रेशर थ्योरी दी किसने? प्रिस्टले ने दी। उसके अलावा रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है कि रूट प्रेशर टर्म है वो किसने दी? स्टीफन हेल्स ने दी। आगे देखिए, आगे बोल दिया गया फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज। इससे पहले जो थ्योरीज दी गई थी वो थ्योरीज ऑलमोस्ट गलत थी। वाइटल थ्योरीज तो डेफिनेटली गलत होगी, रूट प्रेशर थ्योरी भी कुछ हद तक गलत है। फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज में सबसे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है आपके ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, या फिर कोहिजन हाइपोथेसिस, या कोहिजन टेंशन थ्योरी। दी किसने? डिक्सन एंड जोली ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पूछते हैं ये क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो, अगर उन्होंने पूछना है एसेंट ऑफ सैप में से क्वेश्चन पूछना है तो यहीं से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी इनसे पहले भी कुछ लोगों ने कुछ थ्योरीज दी है, उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो एक इम्बाइबिशन थ्योरी है, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दोनों थ्योरीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। है क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, दी किसने? बोहेम ने दी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोल दिया गया, जो वातावरणीय दबाव होगा, वातावरणीय दबाव के कारण क्या रहेगा, पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। लेकिन ये भी गलत होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 34 फीट से ज्यादा ये ऊपर पानी डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। अब है क्या इस थ्योरी में, क्या नहीं है, ना आपको चक्कर में पड़ना है, ना कुछ और एक्सेस कचरा पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या बोला गया, इम्बाइबिशन थ्योरी। इम्बाइबिशन थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, आपकी डिक्सन एंड जोली ने जो थ्योरी दी थी वो। अब देखना, इम्बाइबिशन थ्योरी में 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जो अंजर थे, इन्होंने कब दी है, 1868 में दी। बाद में सेक्स ने इस थ्योरी का क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है वो सेक्स के नाम से ही आता है, अंजर के नाम से नहीं आता, आपको मेजोरिटी बुक्स में भी ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस बाय इम्बाइबिशन। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं इम्बाइबिशन का मतलब ही क्या हो गया जी, कोलाइड, ठीक है। इम्बाइबिशन का मतलब ही क्या हो गया, कोलाइड, और कोलाइड का मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। ये इतनी बातें अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो इम्बाइबिशन है, इम्बाइबिशन का मतलब ही कोलाइड है, और कोलाइड का मतलब ये एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कभी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखने क्या बोला गया, कोलाइड आप सारे लोग जानते हो कि कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कोलाइड बोलते हैं, सारी बातें आप जानते हो। इनके ऊपर दूसरे पार्टिकल्स आकर के चिपक जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, ना कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अधिशोषण, अवशोषण नहीं, अधिशोषण। अधिशोषण यानी सतह पर क्या कर लेना, धारण कर लेना उसे। हाँ जी, टेक्स प्लेस बाय इम्बाइबिशन थ्रू द वॉल्स ऑफ जाइलम। यानी क्या बोल दिया कि जो जाइलम सेल्स होंगी उनकी जो सेल वॉल रहती है, उस सेल वॉल पे, जाइलम तो मरी हुई कोशिकाएं हैं, बात मान लिया हमने आपकी, लेकिन उनकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल पे ये पानी को जो होगा वो क्या कर लिया जाएगा, एडजॉर्ब कर लिया जाएगा, इम्बाइबिशन हो जाएगा उनका वहां पे, और उसके माध्यम से ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ल्यूमेन ऑफ जाइलम की वजह से हो रहा है, ना कि सेल वॉल्स की वजह से, ना कि उनके वॉल्स की वजह से। अब देखिए ल्यूमन ऑफ वॉल्स क्या चीज होगी, सेल वॉल क्या होगी, समझ नहीं आई ये थ्योरी, थोड़ी सी देख लीजिए इमेज की सहायता से। आपके सामने दिया गया जाइलम वेसल, सबसे पहले तो पता होना चाहिए वेसल क्या चीज है, एक नलिका जैसी संरचना होगी उसे बोल दिया गया वेसल। ये आपके सामने क्या चीज है, फिर से वही प्लांट से जो रूट्स है, जो स्टेम वाला जो हिस्सा रह गया उसकी एक आपके सामने इमेज दी गई है। जाइलम ये वाला रह गया, कैम्बियम ये जो लेयर है यहाँ पे, कैम्बियम लेयर वो रहेगी, फ्लोएम बाहर वाला हिस्सा रह गया, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली कोशिकाएं। अब ये जो डॉट 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 आपको जाइलम दिखाई दे रहा है, इस जाइलम को बाहर निकाल के दिखा दिया कि अंदर से ये इस तरीके का होता है, ठीक
ठीक है, अंदर से ये इस तरीके का होता है, और यहाँ से जो कट लगा रखा है उस कट के माध्यम से आपको ये दिखा दिया गया कि ये एक नलिका की जैसी संरचना होगी। बात आएगी समझ में, यानी एक नलिका की जैसी संरचना होगी। अब ये जो नलिकाएं होंगी वो बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के बनाएंगी। बाकी अपने आगे फर्दर लेक्चर्स में जाइलम के बारे में और पढ़ेंगे ना, वहां आप जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन इसको एक बार मानो कि बहुत सारी सेल्स होंगी, वो डेड सेल्स होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के क्या बनाएंगी, एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जिसे हम बोलते हैं जाइलम। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला इम्बाइबिशन थ्योरी में, कि ये जो जाइलम है, जाइलम की ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल पे इम्बाइबिशन होकर के या फिर एडजॉर्ब होकर के, ठीक है, इन पे एडजॉर्ब होकर के वाटर मूवमेंट करेगा, कहां, प्लांट में ऊपर की तरफ। लेकिन बाद में ये बोला गया कि जो ये आपके जाइलम होंगे, जाइलम के अंदर वाला जो हिस्सा होगा, ये ट्यूब के अंदर वाला जो हिस्सा रहेगा, जो खोखला हिस्सा रहेगा अंदर वाला, जिस हिस्से को हम क्या बोलते हैं ल्यूमन, जिस हिस्से को हम क्या बोलते हैं ल्यूमन, उस हिस्से को हम क्या बोल सॉरी ल्यूमन, और उस हिस्से के द्वारा क्या किया जाएगा, पानी को ट्रांसफर किया जाएगा। सेल वॉल के माध्यम से नहीं किया जाता एसेंट ऑफ सैप, वो किसके माध्यम से किया जाता है, जाइलम के ल्यूमन के माध्यम से, जो क्या होगा, एक होलो वेसल्स होगी, प्लांट इसके आंतरिक भाग होगा, बाहरी भाग नहीं होगा। बात आई ना समझ में। और ये जाइलम वेसल जो होती है वो डेड प्लांट सेल होती है, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेड प्लांट सेल होने का मतलब क्या हो गया, कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, क्लियर। इनमें क्या होंगी, केवल और केवल सेल वॉल होंगी, जो क्या होंगी, बहुत ज्यादा थिक होंगी। बातें समझ में आई इतनी। हाँ जी, ये थ्योरी भी गलत होगी अपने आप में, क्योंकि इस थ्योरी में क्या बोला गया कि सेल वॉल पे इम्बाइबिशन होकर के या एडजॉर्ब होकर के न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हो, सॉरी वाटर ट्रांसफर होगा। लेकिन ये फिर से गलत हो गया कि यहाँ से नहीं होता सर, ल्यूमन भाग से होता है, क्लियर। उसके बाद में क्या बोला गया, कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी भी वही उन्होंने दी, इसके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, काफी सारी सेल्स अरेंज होकर के रहती है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, और नीचे से एक कैपिलरी प्रेशर जनरेट होगा, उस कैपिलरी प्रेशर की वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। यानी क्या मतलब हो गया कि इस रूम में मान लीजिए मैं पानी डालना शुरू कर दूं, तो थोड़े थोड़े देर में क्या रहेगा, जितना ज्यादा पानी आता रहेगा वाटर का लेवल उतना ही ऊपर बढ़ता रहेगा ना। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे बोल दी कि रूट से क्या रहेगा, रूट से पानी आता रहेगा, यानी कि नीचे जमीन से पानी अब्जॉर्व करते रहेंगे, जाइलम में पानी आ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता 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 काफी बढ़ जाएगा, और बाद में सारे के सारे प्लांट को डिलीवर हो जाएगा, वहां से आगे जहां जाना होगा वहां डिलीवर हो जाएगा। ये भी गलत है अपने आप में, ठीक है। किसने दी, बोहेम ने दी, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इम्बाइबिशन थ्योरी को आप थोड़े से डिटेल में पढ़ सकते हो, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, किसके द्वारा दी गई, डिक्सन एंड जोली के द्वारा दी गई। कई अलग अलग नाम है इसके, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं, कोहिजन एडिशन थ्योरी भी बोलते हैं, कोहिजन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, कोहिजन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, कई अलग अलग नाम है इसके। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बस वही बात है। अब देखना इसमें क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड कोहिजन एंड एडिशन ऑफ वाटर। कोहिजन क्या होता है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, एडिशन क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पत्तियों के द्वारा पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, सारी बातें आप जानते हो। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनसे पानी क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा, सारी चीजें वही है। आगे क्या बोला गया, दिस थ्योरी इज वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब क्या हो गया कि दूसरे लोग यकीन करते हैं उस चीज पे, एंड सपोर्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट, कई सारे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सपोर्टेड भी है ये, ठीक है। इसमें दो चीजें बोली गई, एक चीज पे बेस्ड नहीं है, दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट बेस है, पहला हो गया कोहिजन और एडिशन प्रॉपर्टी वाटर की, और दूसरा हो गया ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये है क्या, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, कोहिजन एंड एडिसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि जल की कोहिजन और एडिसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कोहिजन के बारे में, आप सारे लोग जानते हो कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे बोलते हैं कोहिजन। कोहिजन फोर्स की वजह से, वो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, नीचे आप पानी के ड्रॉप्स डाल दोगे, ड्रॉप्स थोड़े आप अलग अलग डालोगे लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो पास पास आ जाएंगे और मिलकर के एक बड़ा बबल बना लेगी, उस चीज को क्या बोलते हैं कोहिजन। एडिशन मैंने वही आपको नल वाला एग्जांपल बताया, बूंद होगी वो पानी के लटक रही होगी, मेटल से थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा रही होगी, वो एडिशन एडिशन हो गया आपका। अब इसमें क्या बोला गया, कोहिजन फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स मेक द वाटर रिमेन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वाटर। अब कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का मतलब क्या रह गया कि एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके साथ कोहिजन होने के कारण इसके साथ साथ ही ऊपर जा रहा है, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोहिजन होने के कारण इसके साथ साथ ही ऊपर जा रहा है। एक इमेज इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ जब मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाई थी उस टाइम, बाकी इसको फिर से देख लेते हैं। तो एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जो होगा किसकी वजह से, कोहिजन की वजह से, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इस चीज का, कितना होता है 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक।
जो रूट प्रेशर था उसका मैग्नीट्यूड था केवल 2 atm का, यहाँ मैग्नीट्यूड है 350 atm का, यानी वहां मोटर थी 2 atmospheric प्रेशर की और यहाँ मोटर 350 atmospheric प्रेशर की, इसलिए ये वाला कंसेप्ट एक्सेप्टेबल है और वो वाला कंसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये था कि ठीक है भाई छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनमें तो रूट प्रेशर की वजह से डिलीवर कर जाएंगे वाटर, जो बड़े प्लांट्स हैं लंबे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है उनमें कैसे करोगे, तो उनमें ये वाला जो है वो सही बोला गया। किसकी वजह से? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, किसका? कोहेसिव प्रॉपर्टी का, वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कोहेजन हो गया। एडिशन में क्या बोल दिया गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो तो एक दूसरे के साथ साथ जा रहे हैं लेकिन अब उनको जाना ऊपर की तरफ ही है तो उनको चिपका हुआ भी तो रहना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक वो दीवार होगी और मुझे कहेंगे कि इसके ऊपर आपको चढ़ना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वो दीवार के अंदर वो होते हैं ना इस तरीके से बनाए हुए जिनके अपने पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उसी तरीके से मैं किसी ना किसी तरीके से उसके साथ, यार मान लो कि मुझे क्या करनी है, हिल क्लाइंबिंग करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ को मैं पकड़ने के लिए कोई तो हिस्सा होना चाहिए, दीवार पे चढ़ना है दीवार में टांग लगाने के लिए हाथ लगाने के लिए कोई तो हिस्सा होना चाहिए। अब डायरेक्ट मेरे को ऐसी दीवार दे देंगे जो सीमेंटेड दीवार होंगी उसके अंदर कोई छेद नहीं है कुछ नहीं है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा उस पर, मतलब ही नहीं है। यानी चिपके रहने के लिए, दीवार से चिपके रहने के लिए भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो कौन सी हो जाएगी? एडिसिव प्रॉपर्टी, इसकी वाटर की, जो जाइलम की अंदर वाली जो साइड होंगी ल्यूमेन जो होंगी उनकी जो वॉल्स होंगी उनके द्वारा चिपकी हुई रहेंगी और ऊपर की तरफ मूवमेंट करती रहेंगी और कोहेजन की वजह से क्या हो जाएगा आपके वाटर की कंटिन्यूटी रहेगी। ऊपर क्यों खींचती चली जाएगी, नीचे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर है जो उन्हें ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक टेंशन क्रिएट कर रहा है जो उन्हें ऊपर की तरफ खींचने में मजबूर कर रहा है। बात आई समझ में? उसके बाद में फिर वही बातें हैं कि जाइलम वेसल जो होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, पढ़ लेना इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, मैंने कोहेजन और एडिसिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बता दिया। ट्रांसपिरेशन पुल वही सारी चीजें होगी, ऊपर से पानी खींचता चला जाएगा तो इवेपोरेशन के माध्यम, इवेपोरेशन होगा पानी का तो क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, जो नेगेटिव प्रेशर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके जाइलम में, और जाइलम में नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से सारा का सारा पानी ऊपर खींच लिया जाएगा। कुछ एक नए वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, मिजोफिल सेल जैसा वर्ड आ गया तो इसको मैं बता देता हूँ। मिजो का मतलब क्या हो गया? बीच में। फिल का मतलब, जब मैंने आपको लेयर सिलिकेट पढ़ाया तो लेयर सिलिकेट्स को फाइलो सिलिकेट्स भी बोलते हैं, सॉइल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, लेयर सिलिकेट्स को फाइलो सिलिकेट्स भी बोलते हैं। उनको फाइलो सिलिकेट्स बोलने का कारण क्या बोला गया? क्योंकि ये प्लांट की पत्तियों में जैसे होते हैं, फाइलो का मतलब हो गया लीफ, सिलिकेट्स सिलिकेट्स हो गया, यानी यहाँ मिजो यानी क्या? बीच में। फिल का मतलब यानी लीफ, यानी वो सेल्स जो लीफ के कहाँ पाई जाती है? मध्य में पाई जाती है। अब लीफ के मध्य में पाए जाने का मतलब क्या हो गया? ये पत्ती है यहाँ मध्य में पाए जाना, क्या यहाँ सेंटर में पाए जाना? नहीं, ये इस बारे में बात नहीं हो रही है। किस बारे में बात हो रही है? जब ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उस टाइम आपको पता लगेगा कि व्हाट इज मेसोफिल सेल्स, इनका यूज क्या है। एक बार के लिए मेसोफिल सेल को आपको समझना है तो जिस तरीके से कॉर्टेक्स सेल्स जो थी रूट के अंदर, उसी तरीके से आप मेसोफिल सेल्स को मान लीजिए। कॉर्टेक्स सेल्स वहां क्या कर रही थी? पानी को ट्रांसफर करने का काम कर रही थी। कहां से? आपके एपिडर्मिस सेल्स से आगे एंडोडर्मल सेल्स में। ये क्या करेंगी? जाइलम से पानी रिसीव करेंगी और जाइलम से पानी रिसीव करके आगे ट्रांसफर करेंगी। किसको? आपके एपिडर्मिस सेल्स को। एपिडर्मिस सेल्स के साथ साथ पानी किसे ट्रांसफर होगा? स्टोमेटा को। स्टोमेटा से पानी क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन की वजह से वाष्प बन के उड़ता हुआ चला जाएगा। ये सारा इसका मैकेनिज्म होगा। जितना पानी उड़ता रहेगा उतना ज्यादा एक सक्शन क्रिएट होगा, उतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी। जितनी ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी उतनी टेंशन कहाँ ट्रांसफर की जाएगी? जाइलम में। जितनी ज्यादा जाइलम में टेंशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पानी ऊपर सक किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगी। अब जो डिक्सन एंड जोली ने थ्योरी दी थी उसका भी ऑब्जेक्शन किया गया था। किसके द्वारा? इनके द्वारा किया गया। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया कि सर आपने जो बातें बोली है वो ठीक है, लेकिन जो एयर बबल अगर एयर बबल आ गई कंडक्टिंग चैनल के अंदर, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपकी जो वाटर कॉलम है उसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण या फिर एयर बबल आने के कारण। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पानी वाली मोटर है, पानी वाली मोटर में आप क्या करते हो? कई बार कहते हो ना हवा आ गई। हवा आने की वजह से क्या हो जाएगा? जो वाटर होगा, अब देखो वो हवा का सीन कैसे समझना इस चीज को। मान लीजिए ये कोई चैनल है, चैनल का मतलब क्या? कोई ट्यूब वगैरह है कुछ भी है आपके घर की पानी वाली पाइप मान लीजिए। इसके अंदर अगर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इनको थोड़ा सा कुछ चाहिए, बाद में अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या रहेगी इनमें? कंटिन्यूटी रहेगी। एक भेड़चाल रहती है इनमें। भेड़चाल समझते हैं ना आप सारे के सारे लोग? एक भेड़ जिस डायरेक्शन में चलने लगती है दूसरी सारी की सारी भेड़ उसी को फॉलो करने लग जाती है। ये नहीं सोचते कि वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। एक भेड़ खाई में कूदेगी तो सारी की सारी उसके पीछे पीछे चली जाएगी, भेड़चाल होती है। वाटर में भी वो भेड़चाल वाली बात है। किसकी वजह से? कोहेजन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? कोहेजन की वजह से। बात आई ना समझ में? तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे एक दूसरे के साथ साथ, लेकिन गलती से बाय चांस इनके बीच में अगर कभी क्या आ गया? बबल आ गया। अगर कभी बाय चांस इनके बीच में गलती से एक एयर बबल आ गया, एयर बबल आ गया यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रह गया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रह गया, कोहेजन टूट गया। कोहेजन टूट गया तो अब ये कहेगा मैं तो आगे
नहीं जाता। यानी कि वाटर बबल अगर आ गया, एयर सॉरी वाटर नहीं एयर बबल अगर आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोहिजन वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोहिजन वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी तो इनकी भेड़ चाल बाधित होगी। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, ये एक गड़बड़ होगी। दूसरा डे और नाइट के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए थे, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी जो थी वो थ्योरी काफी कुछ पैरामीटर्स में सही प्रूव हो रही थी, इसके लिए सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन्हीं की थ्योरी है। बाकी अगर कहें कि पूरी प्रोसेस प्लांट्स की हमें पता है तो वो नहीं पता, क्लियर है ना। ये सारी चीजें अभी भी क्या है, अंडर स्टडीज है, इनके अंदर अभी भी बहुत सारी बातें और निकल के आना बाकी है, लेकिन आज तक जितनी बातें निकल के आई है हमने उनको स्टडी किया, उनमें किसने क्या ऑब्जेक्शन किया, व्हाटएवर, हमने वो चीज़ को देख लिया। आगे देखते हैं, यहाँ आपका वो खत्म हो गया एसेंट ऑफ सैप। अब देख लेते हैं कि इसको अफेक्ट करने वाले कारक क्या क्या होंगे। इसको अफेक्ट करने वाले कारक के बारे में बात करूंगा तो जितना भी फैक्टर्स आपके वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन को प्रभावित कर रहे होंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स इसको प्रभावित करने वाले होंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक आप पढ़ चुके हो, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। ट्रांसपिरेशन वाले आपने यहाँ नहीं पढ़ रखे, तो ट्रांसपिरेशन वाले जब ट्रांसपिरेशन करेंगे उस टाइम पढ़ लेंगे। फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, जैसे हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होगी। एटमोस्फेरिक प्रेशर, दबाव जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन की रेट उससे प्रभावित होगी। विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होगी। लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी एनवायरमेंट में तो भी ट्रांसपिरेशन की रेट ज्यादा होगी। तो इन सारी चीजों की वजह से ट्रांसपिरेशन प्रभावित होगा, और ट्रांसपिरेशन जिन भी चीजों से प्रभावित होगा उनसे आपका एसेंट ऑफ सैप प्रभावित होगा। बात आई ना समझ में। दूसरा कौन सा, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन, जिससे रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा उनसे भी आपका एसेंट ऑफ सैप प्रभावित होगा, क्लियर। आगे देखते हैं, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए बहुत हो गया, 1 घंटे 40 मिनट से लगातार लेक्चर चल रहे हैं, बोर हो गए होंगे आप लोग।